हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए आने वाले 2 साल फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से सिंप्लीफाइड करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो आपको काम में आएंगे आपके स्कूल एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। और साथ में हर एक लेक्चर के बाद मैं आपको उस लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बहुत नॉमिनल प्राइस में पूरे साल फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स कहीं भी कभी भी रिवाइज कर सकते हो। और यही बने हुए नोट्स आपको उस डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेंगे। ओके, चले बच्चा लोग, शुरू करने वाले हम क्लास 11th फिजिक्स। और क्योंकि 2023 में बहुत सारी चीजें रेशनलाइज कर दी गई है, तो यू ऑल पीपल आर लकी इनफ, राइट। चले बच्चा, तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है यूनिट एंड डायमेंशन। छोटा सा चैप्टर नहीं, छोटा सा नहीं, छोटा सा ये चैप्टर। 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है बच्चा। एक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा टॉपिक है डायमेंशंस, एंड तीसरा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ओके, चले बच्चा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर कोई मुझे पूछे कि मेरा वेट क्या है, अगर मैं कहूं मेरा वेट है 85, क्या ये मीनिंगफुल है? बिल्कुल नहीं। 85 क्या ग्राम, 85 क्या किलोग्राम, 85 क्या टन? नहीं, इतना भारी नहीं हूं मैं। सो इफ आई से के 85 केजी, नाउ इट इज वेरी मच मीनिंगफुल, वेरी मच क्लियर। तो किसी भी क्वांटिटी को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है बच्चा, राइट, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हमें मास रिप्रेजेंट करना है, तो जो मैंने आपको बताया कि मेरा मास है 85 केजी, ठीक है बच्चा। तो ये केजी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केजी क्या है? यूनिट है। क्या है ये केजी? यूनिट है। सिमिलरली अगर कोई आपको पूछे भाई कि फोर्स क्या है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि फोर्स है 10 न्यूटन, दिस इज मीनिंगफुल, राइट, जहां पे ये न्यूटन भी क्या है? यूनिट है, ठीक है बच्चा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए नंबर, और नंबर के साथ चाहिए यूनिट। यूनिट के बिना नंबर का कोई मतलब नहीं है, नंबर के बिना यूनिट का कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए, सी दिस। यूनिट, यूनिट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक। अगर मैं कहूं मेरा वेट 85 केजी है, मतलब 1 केजी के कंपेयर में मेरा मास 85 टाइम्स ज्यादा है, तो मेरा मास क्या हो गया? 85 केजी। तो मेजरमेंट इज ऑलवेज कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड बेसिक, और ये जो स्टैंडर्ड बेसिक है ना, वो क्या है? यूनिट है, ठीक है। आर्बिटरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। तो बेटा यूनिट क्या है? यूनिट है रेफरेंस स्टैंडर्ड, राइट। जैसे कि 1 केजी, मैं 85 केजी को ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा वेट है 85 इंटू 1 केजी। तो बच्चा ये 1 केजी यूनिट है, और इसके कंपेयर में मेरा वेट 85 ग्राम है, तो मेरा वेट क्या हो गया? 85 केजी। आपका वेट कितना है बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए बच्चा। ओके, नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कुछ यूनिट के सिस्टम्स हैं, फटाफट जाएंगे बेटा। सबसे पहला सिस्टम जो एक्सिस्टेंस में आया था, वो था FPS, और ये FPS का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड, जिसमें लेंथ मेजर होता था फुट में, वेट मेजर होता था या मास मेजर होता था पाउंड में, और टाइम मेजर होता था सेकंड में। फिर सिस्टम चेंज करके नया सिस्टम आया, विच इज CGS। CGS का मतलब है बेटा सेंटीमीटर, इसमें लेंथ सेंटीमीटर में दिया जाता था, G फॉर ग्राम, इसमें मास ग्राम में दिया जाता था, एंड S फॉर सेकंड, समय किस में दिया जाता था? सेकंड में। देन कम्स थर्ड सिस्टम विच इज MKS, इसमें लेंथ मेजर किया जाता था मीटर में, मास मेजर किया जाता था किलोग्राम में, और टाइम मेजर किया जाता था बच्चे सेकंड में। फिर एक नया सिस्टम आया जिसमें एक यूनिट को और ऐड कर दिया गया, विच इज मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ए माने क्या होता है बेटा? ए क्या होता है? आपका एम्पियर। अब हो क्या रहा था बच्चा कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट सिस्टम चल रहे थे। ब्रिटिशर्स FPS यूज कर रहे थे, कोई और कंट्री में कुछ और सिस्टम यूज हो रहा था। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आएगी तो प्रॉब्लम होगा ना,
क्योंकि मैंने मेजर करके दिया पाउंड में और उनको पाउंड समझ में ही नहीं आता, उनको समझ में आता है केजी, तो प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। तो इसीलिए पूरी दुनिया के सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिले, पेरिस में एक मीटिंग किया और वहां मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कुछ ऐसा यूनिट सिस्टम बनाते हैं जो पूरी दुनिया को लागू होने वाला है, राइट। मतलब वो सिस्टम पूरी दुनिया फॉलो करेगी और उस सिस्टम को कहा जाता है बेटा एसआई यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम। तो बेटा एसआई का मतलब होता है ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है, लियोनार्डो डी कैप्रियो ऐसा नाम है भाई, फ्रांस में मीटिंग हुई थी तो ऐसा ही नाम होने वाला ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका फुल फॉर्म है ली सिस्टमिंग इंटरनेशनल डी यूनिट्स, शॉर्ट में इसको हम कहेंगे एसआई यूनिट सिस्टम। बेटा इस एसआई यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई, 7 कौन सी क्वांटिटी ली गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके साथ में 2 दिए गए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 2 क्या दिए गए आपको? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, राइट, ओके। चले ना, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? सो बेटा फिजिक्स में कितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, आप सोच के देखो, 9th 10th में कितना क्वांटिटी आप पढ़ के आए, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन, राइट, फिर वो वोल्टेज, पोटेंशियल, राइट, करंट, रेजिस्टेंस, ओ माय गॉड। तो पूरे फिजिक्स में ना इनफाइनाइट क्वांटिटीज है। अब इतने सारे क्वांटिटीज में से कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है और उनकी मदद से आप बाकी सारे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चा, राइट। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है पहले? तो बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है, ये फंडामेंटल का मतलब होता है मिनिमम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, मिनिमम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इनको? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि बेटा मैं अगर लिखू स्पीड, तो स्पीड क्या होता है बेटा? लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो बच्चा यहां पे लेंथ कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम भी कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल। और हमने स्पीड को दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके एक्सप्रेस कर दिया, तो स्पीड फंडामेंटल नहीं है, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बच्चा? स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है। और ये दोनों कैसे क्वांटिटी है बच्चे? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पे हम स्पीड को कैसा क्वांटिटी कहेंगे बेटा? डिराइव्ड। तो पूरे फिजिक्स में इतने सारे क्वांटिटीज में से खाली 7 ही क्वांटिटी ऐसा है जो फंडामेंटल है और जिनकी मदद से आप बाकी सारे क्वांटिटी को इस तरह से रिलेशन से प्रेजेंट कर सकते हो। चलो कौन कौन सा है फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा? तो 4 तो आगे ही है फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। कौन कौन से आगे आपने लिखे थे? एम के एस ए, एम इंडिकेट लेंथ, मास, टाइम, एंड ए फॉर एम्पियर था ना, एम्पियर क्या था? इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फिर लेंथ, मास, टाइम, करंट एंड देन इसके बाद आता है टेम्परेचर, ओके। इसके बाद एक और क्वांटिटी बेटा, विच इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आखिरी क्वांटिटी है बच्चा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो है ना वो 7 बेसिक क्वांटिटी है। कौन कौन से बेटा? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और पूरा फिजिक्स इतने 7 क्वांटिटी पे खत्म हो जाता है, राइट, ओके। चलो सबके यूनिट लिखते हैं बच्चा। तो लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, और मीटर का सिंबल है स्मॉल m। मास का यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल है kg, स्मॉल k। हाँ,
टाइम का सिंबल, टाइम का यूनिट है सेकंड, सिंबल है स्मॉल एस। करंट का स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है बच्चा मोल, एम ओ एल ई, जिसका सिंबल है एम ओ एल। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है बच्चा कैंडेला, कैंडल, कैंडल में से लाइट निकलती है ना, तो उससे ही लिया गया कैंडेला, इसका यूनिट है सीडी। ओके बच्चा, तो ये सात हो गए आपके फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है ये सात फंडामेंटल यूनिट्स? आई इतनी बात आपको समझ में? अब इसकी मदद से आप जो क्वांटिटी चाहो ना फिजिक्स की, वो सारी क्वांटिटी आप इसकी मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और बता दो, सपोज मान लो कि सर आपको ना रिप्रेजेंट करके दिखाना है फोर्स, अभी दिखा देते। तो फोर्स, फोर्स क्या होता है बच्चा? न्यूटन ने सिखाया था फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है आपको? हाँ, नाइन स्टैंडर्ड। मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन क्या होता है याद है आपको? स्पीड बाय टाइम या वेलोसिटी बाय टाइम, ये दोनों फंडामेंटल हो गए। स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड होता है अगेन डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की जगह में लेंथ लिखो, लिख ही सकते हैं ना, बिकॉज डिस्टेंस इज वन टाइप ऑफ लेंथ। तो ये होता है आपका लेंथ बाय टाइम। और नीचे क्या है? टाइम। तो देख लो, फंडामेंटल 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 फंडामेंटल, तो फोर्स को आपने प्रेजेंट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इस तरह से फिजिक्स के सारे क्वांटिटीज आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बेटा, हम इंडियन से राइट, हम जब पानीपुरी भी खाने जाते हैं ना गोलगप्पे, तो साथ में हम चूरा मांगते हैं, मांगते हैं ना, चूरे के बिना तो पानीपुरी अधूरी है हमारी। तो इसी तरह से एसआई सिस्टम में भी सात फंडामेंटल यूनिट के साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट दिए गए, पानीपुरी के साथ का चूरमा दिया गया राइट। और वो चूरमा क्या है वो देखो, तो दो यूनिट है सप्लीमेंट्री में, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। बहुत सिंपल सा है ये, प्लेन एंगल, इसका सिंबल है थीटा, देखा ही होगा आपने इस थीटा को कहीं पे 10 स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ वही वही है, ट्रिग्नोमेट्री वाला ही थीटा है राइट। सपोज बेटा ये पूरा सर्कल है राइट, जिसका रेडियस है आर, लेट्स से इट इज पॉइंट ए, और यहां पर एक और पॉइंट है बी, तो ये ए बी को हम क्या कहेंगे? आर्क, ठीक है। और ये आर्क जितना यहां पे एंगल सबटेंड करेगा ना, उसे कहते हैं प्लेन एंगल, सिंपल राइट। ओके, तो बेटा प्लेन एंगल थीटा होता है आर्क बाय रेडियस। प्लेन एंगल थीटा क्या होता है बच्चा? आर्क बाय रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइड बाय रेडियस आर, सिंपल एकदम। चलो थीटा का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? थीटा का स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन, और उसका सिंबल है आर ए डी। बट आपको पता है, आपको तो एंगल डिग्री में दिए होते हैं ना, टेंथ में था ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है बेटा? बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको डिग्री दिया है ना, तो डिग्री की जगह आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है? पाई बाई 180, क्या हो जाएगा ये? रेडियन। तो जब भी आपको डिग्री दिया हो, डिग्री को क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा? पाई बाय 180। तो डिग्री किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? रेडियन में। जैसे कि देखो, अगर आपको दिया है बच्चा, सपोज मान लीजिए आपको दिया है 30 डिग्री, कितना रेडियन हो जाएगा? तो 30 इंटू डिग्री क्या होता है? पाई बाय 180 रेडियन। कट करेंगे कितना रेडियन हो गया? पाई बाय 6 रेडियन राइट। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? रेडियन में। ये स्टार्टिंग में जब टेक्स्ट बुक था ना, तो उसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, बट अभी रेशनलाइज कर दिया है उसमें ये सारे कंटेंट, अभी ऑलमोस्ट इसके एप्लीकेशन निकाल दिए हैं राइट। चल बेटा, दूसरा है सॉलिड एंगल। अब बच्चे सॉलिड एंगल का सिंबल है ओमेगा, पता है रेजिस्टेंस में आप करते थे ना ऐसा ओमेगा, तो ये रेजिस्टेंस वाला सिंबल। अब ये सॉलिड एंगल ना, सपोज एक स्फीयर है, बोलो कि सर ये तो सर्कल है, ये स्फीयर है, स्फीयर है। तो देखो ये रहा आपका स्फीयर, पता चला आपको थ्री डायमेंशनल फिगर है ये, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है ताकि आपको आइडिया आए, बराबर बनाते हैं राइट। तो ये 3D फिगर है और ये क्या है? स्फीयर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने स्फीयर में से बेटा इतना पार्ट कट किया, इसका एरिया है ए। अब तरबूज लेते हो ना, तो तरबूज वाला ऐसे कट करके देता है ना आपको, लाल है नहीं है तो भी हाई बोलना पड़ता है राइट। तो ये जो आपने पार्ट कट किया ना, ये सेंटर के साथ यहां पे जो एंगल बनाएगा ना थ्री डायमेंशन में, ये एंगल क्या है? सॉलिड एंगल ओमेगा है
अंडरस्टूड, समझे कि नहीं? तो ये एरिया तरबूज के बाहर के एरिया ने अंदर जो एंगल बनाया ना सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, राइट? एंड सपोज स्फीयर का रेडियस है आर, तो बच्चा सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर. तो सॉलिड एंगल ओमेगा होता है एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर. इसका यूनिट होता है बेटा स्टीरेडियन. क्या है इसका यूनिट? है स्टीरेडियन, जिसका सिंबल है एस आर. अब पूरे स्फीयर का स्टीरेडियन क्या होगा? अगर आप पूरा स्फीयर ले लो तो पूरे स्फीयर का एरिया 4πr² डिवाइड बाय r² कट. तो पूरे स्फीयर के लिए कितना सॉलिड एंगल बनेगा? 4π, राइट? ओके, सो फॉर होल स्फीयर, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल बनता है कितना बच्चा? 4π स्टीरेडियन, राइट? तो बेटा ये हो गया आपके दो सप्लीमेंट्री यूनिट, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल. वो तरबूज वाला जो कट करके निकालते हैं वहां जो एंगल बनता है दैट सॉलिड एंगल. फॉर्मूला क्या है बच्चा? सिंपल सा, एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस. क्या फॉर्मूला है? एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस. क्लियर? तो बच्चा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और साथ में ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. मेरे आजू बाजू पूरा सर्कल दिखेगा. हा, इतना मस्त लग रहा है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करूंगा जहां पे मैं आपको कुछ प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस सिखा देता हूँ, क्योंकि वो सफिक्स प्रेफिक्स आपको ना आगे जाके बहुत काम में आएंगे. बहुत मतलब बहुत, पूरे दो साल में सफिक्स प्रेफिक्स कहीं पे भी घुस जाएंगे, राइट? तो हम पहले ना एक सफिक्स प्रेफिक्स का टेबल देख लेते हैं. एक ही स्लाइड में काम हो जाएगा? हो जाएगा. चलो दो स्लाइड ले लेते हैं. ओके फाइन, आ जाइए. ठीक है बेटा, तो एक ऐसा यूनिट के ना थोड़े से हमें सफिक्स प्रेफिक्सिस देखने हैं. सर क्या कर रहे हो, प्रेफिक्सिस क्या होता है? तो बेटा मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि 1 किलोमीटर, तो आपको कहोगे सर हाँ सर 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर, मतलब. तो ये किलो, किलो क्या होता है? 1000 होता है. इस तरह से फिजिक्स में और बहुत सारे प्रेफिक्सिस है. जिस तरह से ये किलो है उस तरह से बहुत सारे प्रेफिक्सिस है, और वो सारे प्रेफिक्सिस अभी हम फटाफट टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं कौन कौन से प्रेफिक्सिस है, राइट? चलो बेटा, तो सबसे पहले ना छोटे वाले प्रेफिक्स देखते हैं. तो वी स्टार्ट फ्रॉम 10^-1, देन 10^-2, देन 10^-3, एंड देन मल्टीप्लाई ऑफ 3, 3, -6, -9, -12, -15, -18, -21, and -24. ये सारे छोटे प्रेफिक्सेस. और इस तरफ हम सारे बड़े प्रेफिक्सेस दिखेंगे, 10^1, 10^2, 10^3, और उसके बाद सारे 3-3 के मल्टीपल, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and 24. ओके, चले देखते हैं सारे प्रेफिक्सेस का क्या मतलब है. ओके, 10^-1 डेसी, सिंबल है स्मॉल डी. 10^-2 जाना पहचाना सेंटी, सिंबल है स्मॉल सी. 10^-3 इज मिली, यू नो मिलीलीटर, सिंबल है स्मॉल एम. 10^-6 इज माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल है म्यू. ये खास ध्यान रखना, बहुत आएगा माइक्रो माइक्रो माइक्रो, राइट? 10^-9 इज नैनो, सिंबल है स्मॉल एन. 10^-12 इज पिको, सिंबल है स्मॉल पी. 10^-15 इज फेमटो, या इसको फर्मी भी कहते हैं, सिंबल है स्मॉल एफ. 10^-18 फेमटो के बाद आता है एटो, राइट? सिंबल इज स्मॉल ए. 10^-21 जेप्टो, सिंबल इज स्मॉल जेड. एंड 10^-24 इज योक्टो. लेट मी सी, योक्टो है कि यप्टा है? ये टेबल वेबल ना. ओके, दैट इज योक्टो. 10^-24 इज योक्टो. ओके, 10^-24 क्या है बच्चा? योक्टो. दिस इज योक्टो विच इज स्मॉल वाई. तो ये सारे छोटे प्रेफिक्सेस, राइट? ओके, तो अगर कभी आपको ऐसा लिखा हो बच्चा, इन केस आपको ऐसा लिख के दिया हो कि भाई लेंथ है सपोज 50 माइक्रोमीटर, तो आपको क्या समझना है बच्चा? 50 माइक्रो क्या होता है? 10^-6 मीटर, दिस इज द लेंथ.
अगर ऐसा कभी लिखा हो बेटा कि वेवलेंथ इज इक्वल टू सपोज 15 फर्मी, तो आपको समझ जाना है कि एफ फॉर फेमटो, फेमटो क्या होता है 10^-15 मीटर। तो इस तरह से आप प्रेफिक्सिस को यूज करते हो। चलिए अब बड़े प्रेफिक्सिस पे चलते हैं। तो 10^1 से शुरू करेंगे बेटा। 10^1 होता है डेका, सिंबल इज कैपिटल डी, इसके सिंबल थोड़ा ना विचित्र है, ओके। 10^2 इज हेक्टो, सिंबल इज कैपिटल एच। 10^3 किलो, स्मॉल के। 10^6 मेगा, कैपिटल एम। 10^9 गीगा, कैपिटल जी। 10^12 टेरा, कैपिटल टी। 10^15 पेटा, कैपिटल पी। 10^18 एक्सा, कैपिटल ई। 10^21 सर जैप्टा योक्टा ऐसा कुछ है, सी व्हाट इज इट। ओके 10^21 वाज कौन सा, 18 क्या ना, 18 वाज एक्सा, 21 इज जेट्टा एंड 24 इज योट्टा। जेट्टा एंड योट्टा कितना खतरनाक खतरनाक प्रेफिक्स, बहुत इतने सारे प्रेफिक्स आपको काम में नहीं आने वाले, राइट। ओके दिस इज जेट्टा, चलना भाई, ओ भाई। ओके इट इज जेट्टा एंड इट इज योट्टा, कैपिटल जेड एंड कैपिटल वाई। ओके मुझे एक डेका का प्रेफिक्स भी चेक करना है कि डेका का प्रेफिक्स क्या है। मे बी डेका का प्रेफिक्स है डी ए, है ना, डेका प्रीफिक्स इज डी ए। ओके लेट्स राइट इट एंड देन इट इज जेट्टा एंड योट्टा। ओहो हो हो, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके सो यहां पर डेका को थोड़ा हम चेंज करेंगे बच्चा। डेका का सिंबल जो है ना दैट इज डी ए एंड हेक्टा इज स्मॉल एच। अब इतना सारा डेटा याद रखना नॉट मुश्किल काम है, थोड़ा सा इतना सारा डेटा याद रखना, अपना काम है इसको यूज कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं आपको दूं कि सपोज मास है सपोज लेट्स से के द मास इज गिवन एज अट से 18 मेगाग्राम, तो आपको समझ जाना है भाई मेगा मतलब 10^6 ग्राम, यार मेगा 10^6 ग्राम, राइट। सिमिलरली अगर आपको दिया हो के जस्ट फॉर द केस सपोज आपको दिया हो कौन सा लेना है, हाँ लेट्स से फोर्स है, राइट 1/8 गीगा न्यूटन, स्मॉल जी नहीं आएगा कैपिटल जी आएगा, राइट 4/8 गीगा न्यूटन। तो बच्चा क्या समझोगे आप, गीगा क्या होता है 10^9। तो इस तरह से आपको ना ये प्रेफिक्स इसका टेबल यूज करना रहेगा। ओके अब मैं आपको एक छोटा सा ना कन्वर्जन सिखा देता हूँ कि किस तरह से ना प्रेफिक्स इसको एक में से दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा। ओके तो सपोज आपको ऐसा कहा हो कि 10 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी से किलोमीटर, तो बहुत सिंपल है बच्चा ये 10 माइक्रो, माइक्रो क्या था आगे देखो तो 10^-6 मीटर इक्वल टू लेट्स से आपका आंसर एक्स आएगा। व्हाट इज किलो, किलो क्या है 10^3, सो किलो 10^3 मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो बच्चा एक्स कितना आ जाएगा आपका 10 × 10^-6 बाई 10^3, है ना 10^3 ऊपर आएगा 10^-3 हो जाएगा, दिस बिकम 10^-9+1 10^-8, तो आपका आंसर आ गया। ओके अगर मैं आपको कहूं कि सपोज 800 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर क्यूब, ओके तो क्या करना है, चलो 800 स्मॉल डी किसके लिए था बेटा, स्मॉल डी फॉर डेसी, डेसी इज 10^-1 मीटर, क्या करना है उसका क्यूब, क्यूब करना है, डेसीमीटर का क्यूब है, डेसी का भी क्यूब होगा, इज इक्वल टू लेट्स से ये एक्स है, मिली, मिली क्या है बेटा 10^-3 मीटर, मिली का भी क्या करना है क्यूब करना है, लेट्स ओपन द ब्रैकेट 800 × 10^-3 मीटर क्यूब, एक्स इंटू ये हो जाएगा 10^-9 मीटर क्यूब, अब मीटर क्यूब हो गया कैंसल, तो यू गॉट 800 × 10^-3 डिवाइड बाई 10^-9, -9 ऊपर आएगा बच्चा 9-3 कितना बचेगा 10^6, तो एक्स हो जाएगा 800 × 10^6
क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा 800 × 10^6। तो इस तरह से आप इन प्रेफिक्स इसको बच्चा यूज करके ना कन्वर्शन कर सकते हो, आपको आगे बहुत बार करने मिलेगा, राइट। तो आप समझ लेना, दो साल में फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये प्रेफिक्सेस कभी भी किसी भी जगह पे आ जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से समझो। समझ आ गया प्रेफिक्सेस। तो हमने क्या क्या सीखा बेटा, हमने सीखा यूनिट सिस्टम। यूनिट क्या होता है, तो क्या है यूनिट, किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रेफरेंस, राइट, जिसके साथ हम कंपेरिजन करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट, राइट। 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, एंड देन वी हैव सीन एसआई सिस्टम के प्रेफिक्सेस का टेबल और उसको किस तरह से यूज किया जाता है। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको मुझे सॉल्व करके बताना है कि 1 फर्मी क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर क्यूब। आप बताना है आपका आंसर कितना आ रहा है इसका, ठीक है। कमेंट में बताना सब लोग आपका आंसर कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू, सपोज एक्स है, आपको बताना है आंसर क्या आता है, ठीक है बेटा। चलो अब आता है एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जो मेरा फेवरेट है, विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सपोज हमने ये लेंथ को मेजर करना है, सपोज हमें एक रॉड दिया है और हमें ना ये रॉड के लेंथ को मेजर करना है, राइट। और इस रॉड को मेजर करने के लिए हमें एक स्केल दिया है, सपोज हमारा स्केल इस तरह से है, ये स्केल का जीरो है, ये स्केल का जीरो, ए चलना भाई क्या है, हाँ चलो ये स्केल का जीरो है, फिर ये स्केल का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सपोज मुझे ना ये लेंथ मेजर करना है बेटा। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, बोलो ये लेंथ आपको कितना लग रहा है, क्या लग रहा है आपको ये लेंथ कितना होगा। सी तो यू ऑल आर श्योर अबाउट दिस कि सर ये लेंथ 9 के ऊपर कुछ है, राइट। अब अगर आप एग्जैक्ट देखने जाओगे ना तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो कोई बच्चा कहेगा कि सर 9.3 लग रहा है, कोई कहेगा कि नहीं सर 9.4 है, कोई कहेगा कि नहीं सर 9.5 है, राइट। मतलब अगर आपको ये लेंथ मेजर करना है ना बेटा, तो आप सबको क्या लग रहा है, लेंथ 9 तो है ही, 9 के ऊपर, किसी को 9.2 लगा, किसी को 9.3 लगा, किसी को 9.4 लगा, है ना। मतलब आप सब लोग अपने अपने मेजरमेंट में ना ये 9 के लिए सर्टेन हो, श्योर हो कि 9 तो है ही। तो ये 9 कैसा है, सबके लिए श्योर है, बट ये जो सेकंड डिजिट है ना, इसके आपको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। तो ये डिजिट कैसा है आपका, अनसर्टेन है। तो बच्चा किसी भी मेजरमेंट के सर्टेन डिजिट और साथ में एक एक्स्ट्रा डिजिट जो सर्टेन नहीं है, वो सारे डिजिट जिसमें आप सर्टेन हो और एक एक्स्ट्रा डिजिट जिसमें आप सर्टेन नहीं हो, दैट ऑल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो यहां पे 9 और उसके बाद का एक पॉइंट, दैट इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि 9 हमारे लिए सर्टेन है और उसके बाद का एक डिजिट अनसर्टेन है। तो ये दो डिजिट कैसे हो जाएंगे हमारे कैलकुलेशन के, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स है रूल या नो, चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डिजिट्स इन मेजरमेंट, डिजिट्स इन मेजरमेंट विच आर सर्टेन, विच आर सर्टेन प्लस 1 मोर डिजिट विच इज अनसर्टेन, दिस डिजिट्स टूगेदर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू अंडरस्टैंड, राइटिंग सही है, राइटिंग समझ में आ रही है सारे बच्चा को, आएगा आएगा, अच्छा राइटिंग है वैसे भी मेरा। चलिए अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना बच्चा कुछ रूल्स है, लेट्स सी क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करने के। तो बेटा रूल नंबर 1, सारे नॉन जीरो नंबर्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर्स नॉन जीरो है। नॉन जीरो नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो बेटा सारी जो मगजमारी है ना, वो जीरो की है, सिंपल रूल है जीरो के। आपके सर आपको सिखाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलो जीरो का रूल क्या है,
तीन रूल आपको याद रखने हैं जीरो के, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर बेटा ऐसे दिया है आपको 803, तो 8 and 3 तो नॉन जीरो नंबर है, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और ये जीरो कहां आया, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट आया ना, बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आया ना, तो ये जीरो भी कैसा है, सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली अगर ऐसा है बच्चा कि 8005, तो ये 8 and 5 नॉन जीरो नंबर्स, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और दोनों जीरो कहां पर है, बिटवीन नॉन जीरो नंबर, जब तो दोनों जीरो कैसे है इसमें, सिग्निफिकेंट है। दैट्स रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू कहता है बेटा प्रिसाइडिंग जीरो इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, प्रिसाइडिंग जीरोस ऑलवेज इन सिग्निफिकेंट। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अगर नंबर ऐसे लिखा बेटा 0.000173, ओके, नॉन जीरो नंबर्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और ये सारे देखो आगे जीरो है, प्रिसाइडिंग जीरो, आगे कोई नंबर नहीं है, खाली जीरो 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 है सारे। तो जब भी खाली जीरो आगे हो ना, सारे आगे वाले जीरो हमेशा कैसे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब यहां पे एक भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो प्रिसाइडिंग जीरोस ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। बोलो रूल आ रहा है समझ में मेरे सारे बच्चों को, प्रिसाइडिंग जीरो हमेशा कैसा होता है बच्चा, इनसिग्निफिकेंट होता है। तो अगर आपको खाली आगे सारे जीरो लिखे, सारे निकाल दो, ओके। देन ट्रेलिंग जीरो, बेटा ट्रेलिंग जीरो में दो रूल है। ट्रेलिंग जीरो, पीछे जो जीरो होता है ना, ट्रेलिंग जीरो, उसमें दो रूल है। रूल नंबर वन, ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल पॉइंट, विथ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट ये ट्रेलिंग जीरो कैसे हो जाएंगे, इन सिग्निफिकेंट। अब इसकी बाल की खाल खींचने का मतलब नहीं है, राइट। आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या सिग्निफिकेंट है क्या नहीं है। एग्जाम्पल, चलो विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब अगर ऐसा नंबर दिख रहा है आपको 1 2 3 0 0 0, डू यू हैव एनी डेसिमल पॉइंट, नो, तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। सिमिलरली इट इज रिटन लाइक दिस 1 0 3 0 4 0 0 0, ओके, नॉन जीरो नंबर्स सिग्निफिकेंट, ये जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, तीनों पीछे ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, समझे। अब अगर डेसिमल पॉइंट है, सपोज आई एम राइटिंग 543.00, ओके, सिग्निफिकेंट, पीछे जीरो है, डेसिमल पॉइंट है, अगर आपने पॉइंट के बाद दो जीरो लिखे मतलब आप उसके लिए श्योर हो, तभी आपने दोनों जीरो लिखे है पॉइंट के बाद, राइट। तो अगर डेसिमल पॉइंट है तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। सिमिलरली इफ आई से 3109000.0, चलो नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट, ये जीरो कहां पर है, बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ओके, पीछे जीरो चेक करो, डेसिमल पॉइंट है ना, अगर डेसिमल पॉइंट है बच्चा तो सारे जीरो कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ आई बात आपको, यहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं था तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट है तो पीछे वाले जीरो सिंपली क्या है बच्चा, सिग्निफिकेंट है। भूसी आपके भेजे में बात, आता माछी सटकली, तुम्हारी सटकली भूसी भेजे में बात, कैसे करना है इसको, राइट। तो सारे रूल्स किसके, जीरो के, अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट, आगे वाले जीरो ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, पीछे वाले जीरो पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट, पॉइंट नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट, बीच वाले जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आगे वाले जीरो ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, पीछे वाले जीरो पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट, पॉइंट नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट, गॉट इट, ओके। अब अगर नंबर बेटा साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, एक और मेरे तरफ से आखिरी रूल, अगर नंबर बेटा साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, साइंटिफिक फॉर्म मतलब अगर ऐसे लिखा है नंबर 1.23 × 10⁶, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर,
ओके। तो यहां पे ना आपको खाली इसी में सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, ये 10 पावर में देयर इज नो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। तो जब भी आपको नंबर साइंटिफिक फॉर्म में दिया हो तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल नहीं है, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सारा रोल किसके अंदर है बेटा, इसके अंदर है। तो इसको ही आपको देखना है, इसको देखना नहीं है। चलिए अब सवाल है कि सर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज कहाँ करेंगे, राइट? तो मैं आपको बताता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग। चलिए तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन देखते हैं। पहले चलो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है, जब आप दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो रूल कहता है कि यू हैव टू रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है आपको, ध्यान क्या रखना है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। I'll give you example. अगर मुझे प्लस करना है बेटा 12.3 प्लस 6.89, सबको आता है प्लस करना, तो ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 91। ओके, अब आप देखो एडिशन कर रहे हो ना, रूल क्या कहता है, लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स। ओके, तो यहां पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, मतलब यहां पे एक डेसिमल प्लेस है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना। इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट है, मतलब यहां पे दो डेसिमल प्लेस है। तो रूल क्या कहता है, कीप लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट मतलब आपको आंसर में कितना रखना है, एक ही रखना है, तो यहां से आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आप पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रख सकते हो, क्योंकि रूल कहता है कि यू हैव टू कीप लीस्ट डेसिमल पॉइंट। क्यों, क्योंकि आपको ना इस नंबर में थ्री के बाद कोई पता नहीं है नंबर क्या है, तो इसीलिए आप फाइनल आंसर में भी ये नंबर का पता नहीं कर सकते, आपको इसको निकालना पड़ेगा। इस नंबर में आपको पता है पॉइंट में थ्री के बाद क्या है, नहीं पता है ना, तो आपको फाइनल आंसर में कैसे पता कि पॉइंट में एक डिजिट के बाद और क्या होगा। तो आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, कितने डेसिमल प्लेस रखेंगे हम, एक ओनली, वी विल कीप ओनली वन डेसिमल प्लेस। क्या रखेंगे बेटा, हम सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस रखने वाले हैं यहां पे। चलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करना आता है ना सबको, नाइन अगर राउंड ऑफ करोगे तो आगे एक प्लस करना पड़ेगा, योर आंसर इज 19.3। अब मैं आपको लगे हाथ और राउंड ऑफ के रूल बता देता हूं, राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। चलो राउंड ऑफ के रूल, तो मेजॉरिटी चीजें तो आपको पता ही है बेटा, अगर अगर राउंडिंग ऑफ में पांच से बड़ा नंबर राउंड ऑफ करना है तो आगे एक प्लस होगा, पांच से छोटा नंबर ऐसे ही निकल जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 33.78 और अगर आपको यहां से राउंड ऑफ करना है 787 पांच से बड़ा नंबर है ना, तो ये राउंड ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, आगे एक प्लस करेंगे 34। अगर आपको राउंड ऑफ करना है लेट्स से 29.17, अगर यहां से राउंड ऑफ करना है तो 1 पांच से छोटा नंबर है, डायरेक्ट राउंड ऑफ हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये सिंपल चीज है, राइट? पॉइंट से पांच से बड़े नंबर से राउंड ऑफ करना है तो आगे एक जुड़ेगा, पांच से छोटा नंबर राउंड ऑफ करना है डायरेक्ट निकल जाएगा। व्हाट इफ इट इज 5, क्या करोगे बताता हूं, 5 का रूल समझ लो, इफ इट इज लेट्स से 13.56 और अगर मुझे यहां से राउंड ऑफ करना है तो जब भी 5 से राउंड ऑफ करना है ना, 5 के आगे का डिजिट देखो, अगर 5 के आगे का डिजिट ऑड है तो एक प्लस करना है आपको, कितना हो जाएगा 14। 5 के आगे अगर ऑड है तो एक प्लस करेंगे, अगर 5 के आगे इवन, अगर ये नंबर इस तरह से 24.59 और यहां से अगर आपको राउंड ऑफ करना है 5 से, 5 के आगे 4 है, 4 कैसा नंबर है, इवन है, तो इवन नंबर है तो 5 ऐसे ही निकल जाएगा, यू गेट 24। ये एक-एक मार्क के क्वेश्चन है, नीट में आते हैं। तो 5 का रूल क्या है बच्चा, 5 का रूल है कि अगर ऑड है तो आगे एक प्लस करेंगे, क्योंकि 1 भी ऑड है ना, तो आगे ऑड है तो एक प्लस करना है, और अगर 5 के आगे इवन है तो 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर दो। समझ आए दोनों एग्जांपल, 5 से बड़ा नंबर प्लस ऑब्वियस होना है आगे एक, 5 से छोटा नंबर ऐसे ही निकल जाएगा, 5 है आगे ऑड है प्लस करेंगे, 5 है आगे इवन है ऐसे ही निकाल देंगे।
गॉट इट, दिख रहा है आपको स्लाइड में, नीचे मैंने इवन लिखा हुआ है, EVEN, वापस लिख देता हूं, इवन, ठीक है बच्चा। आई नो मैंने थोड़ा सिलेबस लेट चालू किया है, बट हमारे ऑफलाइन क्लासेस सूरत में बहुत बड़े स्केल पे चलते हैं, तो उसको हैंडल करना ही थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट नाउ द थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड, नाउ आई हैव इनफ टाइम कि मैं मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को फटाफट सारे चैप्टर खत्म करके दूं। वो देख लेना, एक डेढ़ महीने के अंदर ना अपने बाकी सारे यूट्यूब चैनल के लेवल में आ जाएंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। चलो समझा इतना बेटा, एक और नंबर ऐड करके देखते हैं ना। चलो सपोज आपको ऐड करने के लिए दे रहा हूं 397, उसमें 18.65 और उसमें लेट्स से 179.1, ठीक है, ऐड करो। चलो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15 + 9 = 24, ये हो जाएगा 10 + 9 = 19, हो जाएगा 5। चेक करते कितने कितने डेसिमल प्लेस है कहां कहां पर, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं ना, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद कुछ है ही नहीं, डेसिमल प्लेस ही नहीं है इसमें तो 397 में, तो मतलब इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, 0। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहां पे 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 डेसिमल प्लेस। आंसर में कितने रखेंगे, मिनिमम, तो आपको आंसर में एक भी डेसिमल प्लेस नहीं रखना है, मतलब आपको इधर से ही उड़ाना पड़ेगा, और जब आप यहां से राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 595, क्योंकि 7 है, 7 जाएगा तो आगे एक प्लस करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर है 595। अब बोलोगे सर ये क्या सिखा रहे हो, इतना बेसिक एडिशन पेडिशन, बट बेटा ये सीखना जरूरी है, क्योंकि आप तो एग्जाम में जाओगे, आपको तो एडिशन करने आता, दम दो कर लिख के आ जाओगे 594.75, बट यू हैव टू कीप सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड। तो जब भी बच्चा एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे तो हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है मेरे बच्चे, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो मैंने हाईलाइट किया है। चलो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। अब जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ना, तब का रूल क्या है, सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है बेटा, यू हैव टू कीप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन में क्या था, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यहां पे क्या है बच्चा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब मुझे यहां पे ना थोड़ा सा एक दो एग्जांपल बना के देता हूं मैं आपको। ओके, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा 18, ठीक है, इंटू 9। अब सर क्या बता रहे हो, 18 इंटू 9 तो हमें आता है, कितना होता है बोले, 18 इंटू 9 हाउ मच, हाँ चलो 162, क्या ही नहीं बात है इसमें, मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है आपको। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दोनों नॉन जीरो नंबर है, यू हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, एक। रूल क्या कहता है, आंसर में आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो आप आंसर में खाली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रख सकते हो, कौन सा, पहला सिग्निफिकेंट, एक ही रखना पड़ेगा ना आपको, पहले वाला ही रखना पड़ेगा ना। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा बेटा, 6 जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा, 2। हाँ, अब यहां पे गलती होती है क्या, 162 राउंड ऑफ होके 2 होता है, नहीं ना, 162 राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा बच्चा, ये 62 निकल जाएगा, आगे एक प्लस हो गया, क्योंकि 6 निकला है तो आगे एक प्लस हो गया, एंड 162 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है, 200 है। देखो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है, पीछे वाले 0 सिग्निफिकेंट होते नहीं है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 200 है। बोलो अब तुमको आता था, बताओ मुझे, ये तुमको पता था कि 18 इंटू 9 200 होता है साइंस के लैंग्वेज में, देयर इट इज, ठीक है। चलो एक और डिवीजन करके देखते, सपोज आपको डिवाइड करना है बेटा 3. मैं थोड़ा सा ना पेन अलग कर लेता हूं। ओके, सपोज बेटा आपको डिवीजन करना है 3.24 डिवाइड बाई, बेटा से मैं थोड़ा सा सिंपल लेता हूं इसको नंबर को, मेरे को ना ज्यादा फंसना नहीं है कैलकुलेशन में। सपोज आपको डिवाइड करना है 8.24 राइट डिवाइड बाय लेट्स से 2.5, ओके 8.24 डिवाइड बाय 2.5 अगर आपको करना है तो बेटा आपका जो भी यहां पे आंसर आया, व्हाट्स एवर इट इज योर आंसर, आपका आंसर यहां पे जो भी आया, आप आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे, तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3,
इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? दो। आंसर में रखने आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो भी आपका डिवीजन आएगा बच्चा उस डिवीजन में आपको सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने? दो ही रखने। मैं आपको बताऊं कितना आएगा, 8.24/2.5। चेक करें कितना आएगा, इसको पहले सेव कर लेते हैं। केल्सी कैलकुलेटर टाइप कहां करना, इधर कैलकुलेटर। क्या करा था बेटा मैंने, 8.24/2.5। देखो नंबर आ रहा है 3.296। कितना नंबर आ रहा है बच्चा, 3.296। चलो आपका नंबर आ रहा है यहां पे 3.296। आपको आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं? दो ही रखने हैं। कौन से दो रखेंगे? ऑब्वियसली पहले दो, यहां से राउंड ऑफ करेंगे, 9 राउंड ऑफ होकर आगे क्या हो जाएगा बच्चा आपका, 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा इसका, 3.3 बनेगा, राइट। तो रूल क्या कहता है बच्चा, रूल कहता है कि जब आप एड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लीस्ट डेसिमल प्लेस रखो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स रखो। आई बात समझ में? तो इस तरह से बच्चा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज कर सकते हो, नाउ इट इज वेरी मच क्लियर हियर, राइट। चलो राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, तो मैंने आपको राउंडिंग का रूल ऑलरेडी समझा दिया है, राइट। आगे यहां पे उसका एग्जांपल है राउंडिंग ऑफ का, तो आप यहां पे इसको लिख देना। ये 5 के रूल को ध्यान रखना, राइट। 5 के रूल में क्या है बेटा, प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट फिगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5। अगर 5 से बड़ा नंबर है तो आगे एक प्लस करते हैं, और 5 से छोटा नंबर है तो ऐसे निकाल देते हैं। 5 का रूल क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ये कब का रूल है, ये रूल है तो राउंडिंग ऑफ फ्रॉम 1 टू राउंडिंग ऑफ फ्रॉम 5। एक एग्जांपल लिख दें यहां पे, चलो लिख देते हैं। इफ इट इज 39.3956 अगर दिया है, 5 से राउंड ऑफ करना है, आगे नंबर कैसा है ऑड है, तो आगे क्या हो जाएगा, एक प्लस होगा, ये हो जाएगा 40, और दोनों जो नंबर निकले उसकी जगह क्या हो जाएगा 00। इसको राउंड ऑफ 3956 को राउंड ऑफ करके 40 मत कर देना, 3900 राउंड ऑफ होके 40 थोड़ी हो जाएगा, 3900 राउंड ऑफ होके 4000 हो जाएगा, बुद्धि रखना थोड़ा सा। हाँ ओके, सिमिलरली अगर आपको राउंड ऑफ करना है 48.51, इधर से राउंड ऑफ करना है, आगे डिजिट कैसा है इवन, 5 ऐसे ही निकल जाएगा, 48.51 राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, मार्कर गिर गया। समझ आई बेटा आपको इतनी बात? चलो लेट्स सी, अब अपने पास एक दो क्वेश्चन होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, राइट। दो स्लाइड और हम कंप्लीट करेंगे और फिर आपका सेकंड टॉपिक चालू हो जाएगा, विच इज द डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए ये 2-3 लेक्चर का ही ये पूरा क्लास है, इससे ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं है। चलो लेट्स डू इट फास्ट, सेट सेट। चलो एग्जांपल नंबर 1.1 क्या कहा है, ईच साइड ऑफ क्यूब इज 7.203 मीटर, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो आपको हर एक साइड का लेंथ क्या दिया है, 7.203 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, क्योंकि 3 नॉन जीरो नंबर है, ये जीरो बीच में है तो सिग्निफिकेंट होता है, राइट। चलो पहला आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपको पता ही होगा बेटा, क्यूब में 6 साइड होते हैं और हर एक साइड का एरिया होता है एल स्क्वायर, सो इट इज 6 × एल क्या है 7.203 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, राइट। चलो देखते हैं कितना आंसर आएगा, 7.203 है, हाँ क्या क्या कैल्सी ये रहा, तो दिस इज गोइंग टू बी 6 × 7.203, 3 बार है उसका क्यूब है, इंटू 7.203 स्क्वायर है ना, 6 × L² तो 6 × 7.203 × 7.203 दिख रहा है आपको, दिख रहा है, वाह देखो आंसर आ रहा है 311.299, इतना रखो ना बहुत है,
क्या है 311.299, याद रखना 311.299, दिस इज 311.299, 311.299। नाउ आई विल सी मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सिक्स में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ना ना ना, सिक्स में एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिक्स तो फॉर्मूला का पार्ट है ना, सिक्स तो फॉर्मूला के साथ ही आया था ना, तो ये सिक्स तो एग्जैक्ट नंबर है बच्चा। ये सिक्स क्या है, ये सिक्स एग्जैक्ट नंबर है, राइट। कोई आया बाहर एक सेकंड ना, चलिए साफ सफाई वाले आंटी थे। ओके सो बेटा मैं कह रहा था आपको कि ये सिक्स तो एग्जैक्ट नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको नहीं देखना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर उसमें देखना है जिसमें आपने गलती करी है, आपने मेजर किया है। सिक्स तो आप ऐसे लिख सकते हो एग्जैक्ट नंबर को, तो 6.00000 जितने चाहो उतने, और ये सारे पीछे वाले जीरो कैसे होंगे सिग्निफिकेंट, बिकॉज डेसिमल पॉइंट है। तो ये सिक्स में तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इन्फिनिटी है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फोर। तो आपको आंसर में कितने रखने हैं, फोर। कौन से रखेंगे, पहले चार, नाइन्थ राउंड ऑफ करेंगे, नाइन्थ राउंड ऑफ करोगे ऑब्वियसली आगे एक प्लस हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 311.3 मीटर स्क्वायर। समझ आई बात आपको, तो जो भी फॉर्मूला का पार्ट है ना, दैट इज द एग्जैक्ट नंबर विच हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। चलो यू ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड वॉल्यूम, ओके ओके बेटा वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का, एल क्यूब। तो क्या करना है आपको, 7.203 कितना आएगा आंसर, देखे लेट्स सी 7.203 कितना आएगा, इंटू दिस कम्स आउट टू बी 373.71, राइट। ओके दिस इज 373.71। चलिए सब में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर से देखें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो सारे ही नंबर में चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आंसर में भी एक दो तीन चार रखेंगे, यहां से राउंड ऑफ करेंगे, वन राउंड ऑफ करोगे तो ऐसे ही उड़ जाएगा वन, तो आंसर क्या बनेगा 373.7 मीटर क्यूब, समझे। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1.2, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस डेंसिटी। चलो आपको सबको पता ही होगा बेटा कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। कितना दिया है मास यहां पे, 5.74 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया है, 1.2, वॉल्यूम दिया है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एग्री। डिवाइड करें कितना आएगा, माइक चालू है ना, हाँ चलो डिवाइड करते हैं, कितना करना है 5.74 डिवाइड बाय 1.2, तो ये आ रहा है 4.78333333333, ओके दिस इज 4.78 था बराबर है, चलो ओके अब चेक करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने फिगर्स है इसमें, एक दो तीन, तो इस नंबर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें एक दो, क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो ना, रूल क्या कहता है, यू हैव टू फोकस ऑन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने है लिस्ट में, दो, तो कौन सा रखेंगे, ऑब्वियसली पहले दो, एट से राउंड ऑफ करेंगे, अगर आप एट से राउंड ऑफ करोगे बेटा तो आगे नंबर एक प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 4.8, यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर। बोलिए आई बात समझ में सबको, ओके इज दैट क्लियर, चलिए बढ़िया आगे देखते हैं। ओके नाउ लास्ट वन, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ एरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें फाइनली किस तरह से आपको एरर या अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करनी है वो देखते हैं, ठीक है। दो स्लाइड है बच्चा, ओके बट मुझे थोड़ा सा चाहिए पानी बीच में, अब ओहो ये लेक्चर ऑलमोस्ट एक घंटे का हो गया है, ये है ना, चलिए
अभी ना आपके टेक्स्ट बुक में से एक टॉपिक था एरर करके, जिसके पास पुराना टेक्स्ट बुक होगा ना वो देखना, उसमें एरर करके एक टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक ही इन्होंने निकाल दिया, रेशनलाइज कर दिया है। पर ये एक क्वेश्चन पता नहीं क्यों रखा है, एक क्वेश्चन रखा है, बोलो, पूरा टॉपिक निकाल दिया, एक क्वेश्चन रखा, समझ लेते हैं चलिए कैसे करना है। सो वी हैव अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर शीट विच आर मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। इसमें लेंथ का वैल्यू आ रहा है 16.2 सेंटीमीटर, ये रहा, और ब्रेथ का वैल्यू आ रहा है 10.1 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ दिया है 10.1 सेंटीमीटर, ऐसा आपको दे दिया है। आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट विथ एरर इन इट। क्या करना है आपको, एरिया बताना है एरर के साथ। अब ये क्या है भाई बबाल, ये एरर क्या है, कोई नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ओके, क्लियर करवाना जरूरी है। तो पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एरिया का, कि एरिया का वैल्यू क्या आएगा बच्चा। तो एरिया आएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, 16.2 इंटू 10.1, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीन, इसमें भी तीन, तो आंसर में भी कितने रखेंगे हम, तीन सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। बट पहले फाइंड कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 16.2 इंटू 10.1, दिस इज 163.62, जान रखना सब लोग। ओके सो स्लाइड शो बच्चा, ये आ रहा है 163.62, हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने आंसर में, तीन, एक दो तीन, यहां से राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करते ही अगर सिक्स को राउंड ऑफ में हटाओगे तो आगे क्या हो जाएगा, 164। तो ये हो गया बेटा एरिया, एरिया तो आ गया 164, बट आपको एरिया पूछा है साथ में एरर भी पूछा है, हो जाए एरर फाइंड करते हैं, ठीक है चलिए। सब बेटा एरर पे काम करते हैं, ये समझ आया ना आपको, तीन तीन सिग्निफिकेंट है तो आंसर में भी तीन ही रखने, 164 हो जाएगा, राइट। एरर देखते हैं, तो व्हाट इज एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब अगर एरिया में एरर फाइंड करना है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों में कुछ ना कुछ एरर होगा, यू हैव टू चेक आउट एरर इन बोथ ऑफ देम। तो आप देखिए बेटा लेंथ में, लेंथ में पॉइंट के बाद आपके पास कितना सर्टेनिटी है, एक डिजिट है खाली, मतलब इसमें कितना आप एरर कर सकते हो, एरर को कहते हैं डेल्टा ऑफ लेंथ। सो लेंथ में पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हमारी एरर कितनी हो सकती है पॉइंट के बाद के एक डिजिट की, मतलब 0.1 सेंटीमीटर की हम यहां एरर दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ब्रेथ भी देखोगे तो ब्रेथ में भी पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो ब्रेथ का जो एरर होगा डेल्टा बी, एरर इन ब्रेथ, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब इसका भी एरर क्या हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको सर यहां तो 0.2 था, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली ये देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। अगर इन केस अगर आपको ऐसा दिया बेटा कि लेंथ इक्वल टू 12.139, तो इसका एरर क्या हो जाएगा, इसका एरर हो जाएगा पॉइंट के बाद तीन डिजिट, 0.001। तो इस तरह से आपको सिंपली एरर देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उसको ध्यान में रख के, राइट। अब जब भी आपके दो क्वांटिटी इस तरह से बेटा मल्टीप्लाई होते हैं ना, अभी डिटेल टॉपिक है एरर का, नीट के क्लास में मैं कराऊंगा आपको, एक क्वेश्चन समझ लीजिए। तो ये एरर का जो रिलेटिव एरर होगा ना, दैट इज एरर इन एरिया डिवाइड बाय एरिया, एरिया का एरर जो आपको फाइंड करना है डिवाइड बाय एरिया का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू लेंथ का एरर डिवाइड बाय लेंथ का वैल्यू प्लस ब्रेथ का एरर डिवाइड बाय ब्रेथ का वैल्यू। ये आप याद रखिए, क्योंकि टॉपिक रेशनलाइज कर दिया, मैं आपको वापस बता रहा हूं, बट ये क्वेश्चन बुक में है। और मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको सब सिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, तो मैं एनसीईआरटी में से कुछ भी खाने वाला नहीं हूं, सब कुछ क्लियर कराऊंगा डिटेल में, ओके। चलो डेल्टा ए बाय एरिया, एरिया का वैल्यू कितना है बेटा, 164 इज इक्वल टू लेंथ में कितना गड़बड़ है 0.1, और लेंथ का वैल्यू क्या है बच्चा 16.2, प्लस ब्रेथ में कितना एरर है 0.1, और ब्रेथ का वैल्यू कितना है 10.1। इसको भी आपको सॉल्व करना है, बट अगेन कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन योर माइंड, सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान में रख के इसका आंसर आपको लिखना है, ओके लेट्स सी कितना आएगा आंसर। तो पहला नंबर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है पहला नंबर आपका, 0.1 बाई 1 बाई 16.2, ये आ रहा है 0.000617, याद रखेंगे सब लोग, कितना वैल्यू है 0.0067,
17, और दूसरा वैल्यू है 0.0099। याद रहेगा, कोशिश करते हैं। ये है 0.0099 और ये है 0.000617। ओके, दिस इज योर एरर इन एरिया बाय वैल्यू ऑफ एरिया। इतना डिटेल में मैं चैलेंज करके कहता हूं, आपको कोई बाप नहीं सिखाया होगा एनसीईआरटी जितना मैं आपको सिखा रहा हूं डिटेल में। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो ना, तो वीडियो को एक लाइक करिए तो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले ना हमें भी, राइट। तुम्हारे बड़े बड़े भगवान भी ना कंटेंट भगा भगा के पढ़ा देते हैं सब कुछ। यहाँ पे आ जाओ, चलो। ओके, वी हैव टू कीप हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर, वो देख लेते हैं फटाफट, कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आंसर में रखने हैं, राइट। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक ही है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीन। आंसर में कितना रखेंगे, एक। कौन सा एक, पहला। यहाँ पे भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, एक। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीन। कितना रखेंगे आंसर में, एक। कौन सा, पहला, राइट। चलो राउंड ऑफ करें, क्या हो गया, ये हो गया आपका 0.0006 हो जाएगा, वन ऐसे ही निकल जाएगा, ये हो जाएगा आगे एक प्लस होगा, ये हो जाएगा 0.10। got it, समझे कि नहीं समझे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सो टोटल एरर का वैल्यू कितना सेट हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट। चलिए, छोटा सा यहां पे एरर था, 0.00617 आ रहा है, राइट। यहां पे भी कलर कैसे चेंज हो गया इसका, ओके। यहां पे भी आएगा 0.00 है, सॉरी। अरे यार एक सेकंड ना, ये जो गलत नंबर आया ना उसको पहले कट करने दो, आई डोंट वॉन्ट कि आपको कुछ आगे जाके तकलीफ हो, है ना। तो ये आ रहा है आपका 0.00 के बाद, ये आ रहा है इस तरह से। तो टोटल एरर कितना हो गया आपका, टोटल एरर हो गया 0.016। ये डेल्टा ए बाई 164 है, 164 जाएगा ऊपर, कहां चला गया आपका 164, ऊपर चला गया। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा ये, लेट्स सी हाउ मच विल इट बी। कितना लंबा क्वेश्चन है बोलो, 0.016 × 164। मेरी कैल्सी कहां गई, ओ माय गॉड, कौन खा गया कैल्सी को, ढूंढना पड़ेगा वापस कैल्सी। कितना वैल्यू है बेटा, 0.016 × 164, ये आ रहा है 2.62। कितना आ रहा है बच्चा, 2.62 आ रहा है फ्रॉम करंट स्लाइड। वापस शुरू करते हैं लिखना, कितना आया ये आपका, 2.62 आया। चलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे आंसर में, यहां भी देखना पड़ेगा आपको बच्चा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तीन। मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर में कितने रखेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से दो, पहले दो, तो टू से राउंड ऑफ कर दो। ये नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2.6 हो जाएगा। कितना हो गया आपका नंबर, 2.6 हो गया, मतलब एरिया का कितना एरर है बच्चा, 2.6 है। अब आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे बेटा, फाइनल आंसर लिखोगे कि जो एरिया है उस एरिया का वैल्यू, और उसके बाद आपको इस तरह से एरर लिखना होता है। तो एरिया का वैल्यू कितना है बच्चा, 164, और एरर क्या है, 2.6। एरिया का वैल्यू कितना आया, 164, और एरर क्या आया, 2.6। अभी भी बाकी है खेल। अब आपको क्या करना है, देखो आपको 164 में 2.6 जोड़ना है या माइनस करना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, यू हैव टू कीप मिनिमम डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो अगर 164 में कोई डिजिट नहीं है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इस नंबर में कैसे कोई भी डिजिट हो सकता है डेसिमल पॉइंट के बाद। सो यहां पे इफ यू राइट देयर इज नो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जीरो डेसिमल पॉइंट है इसमें, राइट। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो डेसिमल पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक तो है इसमें, तो यहां से इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर आप बेटा ये 6 को निकाल दोगे तो आगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन योर फाइनल आंसर इज 164 प्लस और माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर बेटा एरिया का। बोलो किसी और ने आपको सिखाया इतना डिटेल में, तो मुझे बताओ। तो पहले एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया का वैल्यू निकाला 164। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर देखा, दोनों में तीन तीन फिगर है, आंसर में भी तीन ही रखना है, 164 हो गया। अब एरर, तो लेंथ एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ,
तो एरिया का एरर डेल्टा ए बाई ए दैट इज इक्वल टू लेंथ का एरर डेल्टा एल बाई एल प्लस ब्रेथ का एरर डेल्टा बी बाई बी। लेंथ में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एरर क्या हो जाएगा 0.1, ब्रेथ में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एरर क्या हो जाएगा 0.1। रखा 0.1 लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ का वैल्यू, एरिया का वैल्यू, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में चाहिए, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में चाहिए। प्लस किया कितना आया 0.016 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर 164। अब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तीन है, मिनिमम रखेंगे आंसर में दो ही रखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप नंबर को, इसमें दो है इसमें तीन है, तो आंसर में दो रखे, सिक्स के बाद राउंड ऑफ किया 2.6 आया, तो एरर कितना आया 2.6। तो आप एरिया क्या लिखोगे, एरिया प्लस और माइनस एरर, एरिया का वैल्यू आया 164, एरिया का एरर है 2.6। अब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल पॉइंट देखेंगे, इस नंबर में तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, इस नंबर में एक डेसिमल पॉइंट है, रूल के अकॉर्डिंगली इसका डेसिमल पॉइंट भी जीरो करेंगे एंड लेकर इसका डेसिमल पॉइंट हटा दो तो आगे थ्री हो जाएगा एंड आंसर इज 164 प्लस और माइनस थ्री। ये है एक एक लौता क्वेश्चन, हम मानो आपको एग्जाम में आ जाए अगर चार मार्क में, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट हैविंग दिस लेंथ एंड ब्रेथ विद एरर, बताओ क्या लिखोगे, दिस कैन बी ऑल्सो एज इन एंट्रेंस एग्जाम, हाँ ध्यान रहे ये बात बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट स्लाइड है, द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन एन बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। तो रिलेटिव एरर, ये जो हमने लिखा है ना इसे कहते हैं रिलेटिव एरर, एरर बाय वैल्यू, सिमिलरली एरर बाय वैल्यू, सिमिलरली एरर बाय वैल्यू, इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। देखो क्या कहा है, द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ मास, देखो 1.02 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दो डिजिट, तो एक्यूरेसी क्या होगा 0.01 का, दिखा आपको क्या दिखा ये एक्यूरेसी। सिमिलरली अनदर मेजरमेंट इज 9.89, पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो इसकी एक्यूरेसी भी कितनी हो जाएगी पॉइंट के बाद के दो डिजिट, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा इसमें, रिलेटिव एरर क्या है बेटा, एरर बाय वैल्यू, 1.02 में एरर या एक्यूरेसी कितना है 0.01 का और उसका वैल्यू क्या है 1.02, राइट, परसेंटेज में करेंगे तो इनटू 100, तो इसका एरर आ गया मात्र 1%। बट अगर आप यही एरर 9.89 में फाइंड करोगे तो इसका भी एक्यूरेसी क्या है पॉइंट के बाद एक डिजिट, बट इसका वैल्यू क्या है 9.89 इनटू परसेंटेज के लिए 100 करो, ये भी कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है। तो बेटा सिंपल सा है रिलेटिव एरर, एक्चुअली एरर का तो टॉपिक ही जा चुका है, सो रिलेटिव एरर का मतलब होता है बेटा किसी भी क्वांटिटी का एरर डिवाइड बाय उसका मीन वैल्यू, अगर आप इनटू 100 करोगे देन यू गेट परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर होता है एरर बाय मीन वैल्यू इनटू 100, दैट्स कॉल्ड परसेंटेज एरर। और जो मैंने अभी आपको आगे बताया कि कोई भी नंबर में एरर या एक्यूरेसी कितना होता है उसके पॉइंट के बाद के डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेस है तो एक्यूरेसी 0.01, पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेस है एक्यूरेसी 0.01। ओके, नाउ इंटरमीडिएट रिजल्ट इन अ मल्टी स्टेप कॉम्प्यूटेशन, अगर एक से ज्यादा स्टेप का कैलकुलेशन चल रहा है ना, तो यू हैव टू डू द कैलकुलेशन टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, अंडरस्टैंड, समझो क्या है, अगर आपको 9.58 का रेसिप्रोकल निकालना है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट 1.1 बाई 9.58, राइट, ओके, सो इसका वैल्यू आएगा 1/9.58, देखना कितना आ रहा है बच्चा, दिस इज गोइंग टू बी 1/9.58, देखो ये आ रहा है 0.10438, राइट 0.10438, देखना ध्यान से क्या जादू होने वाला है इसमें, दिस इज गोइंग टू बी 0.10438। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चा, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो आप इसमें भी कितने रखोगे, पहले तीन रखोगे, आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, इसको यहां से आप राउंड ऑफ कर दो, तो ये वैल्यू कितना आया आपका 0.104, कितना वैल्यू आया ये 0.104। अब आप 0.104 को उल्टा करो तो वापस 9.58 आना चाहिए ना, पर नहीं आएगा। देखो अगर आप यहां से 1/0.104 करोगे तो कितना आएगा, मैं बताऊं आपको 1/0.104,
9.615 आ रहा है, बोलो ये क्या बात हुई, कितना आ रहा है ये 9. कहा गया तेरा, कितना आ रहा है 9.615 आ रहा है। ओहो ये क्या बात हुई, 1.9 1/9.58 का इनवर्स 0.104 एंड 0.104 का इनवर्स 9.61, समझे, 9.58 का इनवर्स 0.104 एंड 0.104 का इनवर्स 9.58 की जगह पे 9.615। तो इसीलिए जब आप इस तरह से मल्टी स्टेप कैलकुलेट करो तो हमेशा एक एक्स्ट्रा डिजिट रखो तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एक्स्ट्रा डिजिट रखने वाला हूं, मतलब मैं इसको 0.104 ना लिख के एक एक्स्ट्रा डिजिट रहने दूंगा 0.104, यहां से 8 से मैं इसको निकालूंगा एंड आई विल कीप इट 4। और फिर जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा ना 1/0.1044 करूंगा तो मुझे वापस 9.58 मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी डिड, दिख नहीं रहा है ना आपको, चलो मैं दिखा देता हूं इसको वापस एक बार यहां से। तो अगर आप 1/0.1044 करोगे देन योर आंसर इज गोइंग टू बी 9.58 जो आना चाहिए, राइट। तो जब भी आप एक से ज्यादा स्टेप कैलकुलेट कर रहे हो ना तो हमेशा एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलो, क्योंकि अगर आप एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लोगे तो आपके आंसर में एरर आने वाली है, गड़बड़ आने वाली है। अंडरस्टूड, क्लियर? तो लास्ट में क्या था बेटा, जब एक से ज्यादा स्टेप का कैलकुलेशन है तो एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर्स को संभाल के लेके चलना है, नहीं तो आंसर में बहुत वेरिएशन आ जाएगा कैलकुलेटर के आंसर में और आपके आंसर में, जो अलाउड नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो तो इस क्लास में हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया ऐसा यूनिट सिस्टम और सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से यूज करने हैं, और एक स्पेशियल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया था वो हमने कंप्लीट किया, एरर का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे बच्चा आपका क्लास 11th फिजिक्स का पहला लेक्चर होता है कंप्लीट। एज आई टोल्ड यू, लेक्चर के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, राइट। और अब ये चैनल के ऊपर आपके धड़ाधड़ लेक्चर अपलोड होने वाले हैं और आप देख सकते हो कितने डिटेल्ड मेरे लेक्चर होते हैं, राइट। हम हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एनसीईआरटी का कोना कोना करेंगे, क्योंकि नीट एग्जाम, जेई एग्जाम में एनसीईआरटी इज मस्ट, भगवद गीता है ये। बच्चा लोग, अब बारी है इस चैप्टर के सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर की, विच इज डायमेंशनल एनालिसिस, और यू कैन से डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो बेटा आपने देखा था ऐसा यूनिट सिस्टम में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल लिया गया था और बाकी सारी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखना बच्चा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो वी रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से यहां पे आपको लेने हैं, तो यहां पे आपके मेजॉरिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आपको फिजिक्स में काम में आने वाला है बच्चा, जहां पर हम मास को रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल एम, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल एल, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल टी, करंट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल ए, एंड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल के। ठीक है बच्चा, तो ये पांचों कौन से क्वांटिटी है आपके फंडामेंटल, और दो भी है फंडामेंटल, राइट, मोल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट उसका आपको फिजिक्स में कहीं पे यूज नहीं आने वाला है। तो ये पांच आपके बेस क्वांटिटीज है या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो लेट अस से कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर इंक्लूडेड है मास, लेंथ और टाइम, राइट। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज हमें मास, लेंथ और टाइम को कुछ पावर देना पड़ रहा है, ओके। तो ये जो आपका ओवरऑल फॉर्मूला बना ना बच्चा, ये फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चा इसको, कहते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। जो भी आपका रिलेशन बनेगा, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। और ये जो बेटा ऊपर पावर दिख रहा है आपको, ये पावर और कुछ नहीं, ये पावर को हम कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं इन पावर को, हम कहते हैं डायमेंशंस, ओके। चलिए अब हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिराइव करने वाले हैं आने वाले 4 स्लाइड पे, और मैं आपको वो सारे मेजॉरिटी डायमेंशंस करा दूंगा जो आपको इस चैप्टर के एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करने में भी काम आएंगे,
ओके चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो आप समझ गए ना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, राइट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बेस क्वांटिटी को जो पावर देना पड़ेगा आपको उसे कहेंगे डायमेंशन, और जो ओवरऑल बनेगा उसे कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला मास का डायमेंशन क्या है बेटा? मास है m1, राइट? ओनली m1। यू कैन राइट l0 t0, ना लिखो तो भी चलेगा। चले लिख देते हैं m1 l0 t0, ये हो गया मास। देन वी हैव अ लेंथ, ठीक है बच्चा? लेंथ l कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m1 लेंथ है तो, सॉरी m0 लेंथ है तो l1 t0। हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और फिर हमारे फंडामेंटल थोड़े से और हायर लेवल के होते जाएंगे, राइट? चलिए देन कम्स टाइम। टाइम का सिंबल है टी, और उसका डायमेंशन बनेगा एम जीरो एल जीरो टाइम पावर वन टी वन। ओके चलिए अब आगे चलते हैं बच्चा। नाउ देन वी हैव एरिया। अब आपको पता होगा कि एरिया क्या होता है बच्चा, तो एरिया होता है लेंथ इनटू विथ, राइट? तो लेंथ इज एल वन, विथ भी क्या होगा? एल वन, क्योंकि विथ भी एक टाइप का लेंथ ही होता है ना। सिमिलरली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब भी क्या होता है? एक टाइप का लेंथ होता है, तो वो सबके लिए एल ही आता है, राइट? एल वन। ओके तो एरिया क्या होता है बच्चा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों ही क्या है? एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा आपका एल टू, एम क्या रहेगा? जीरो, टी क्या रहेगा? जीरो। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ एरिया विच इज लेंथ इंटू विथ, एल इंटू एल, एल टू। चलो देन कम्स बच्चा वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विथ इनटू हाइट। अब लेंथ भी एक टाइप का एल, विथ भी कैपिटल एल, एच भी कैपिटल एल, बिकॉज तीनों आप मीटर या सेंटीमीटर में ही मेजर करो कि मतलब सारे एक टाइप के लेंथ ही है। तो ये भी लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ क्या हो जाएगा? ये एल थ्री, तो ये हो गया एम जीरो एल थ्री टी जीरो। ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट डायमेंशन है बच्चा डेंसिटी। अब मेरे बच्चे 9th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे डेंसिटी रॉ इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास क्या लिखेंगे बेटा? m1, और ये रहा वॉल्यूम क्या है आपका? l3। तो डेंसिटी का डायमेंशन होता है m1 l माइनस थ्री टी जीरो। क्या डायमेंशन बनाइए डेंसिटी का? m1 l माइनस थ्री टी जीरो। ओके चलिए देन कम्स, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। ओके सो जो आप टर्म 9th स्टैंडर्ड में सीखे हो ना, पहले हम सारे वही टर्म्स सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड के, राइट? उससे पहले बच्चा आपने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में किया था सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में एक था प्लेन एंगल। चलो क्या था प्लेन एंगल पता है आपको? आर्क बाय रेडियस। तो आर्क, आर्क इज वन फॉर्म ऑफ लेंथ, मीटर और सेंटीमीटर में होगा वो, एंड रेडियस इज ऑल्सो मीटर और सेंटीमीटर। लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इसे कहते हैं बच्चा डायमेंशन लेस। क्या कहते हैं इसको? डायमेंशन लेस कहते हैं। देन कम सॉलिड एंगल। याद है बच्चा कल तरबूज कट किया था हमने, सॉलिड एंगल क्या होता है? एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब बच्चा एरिया क्या है देखो, तो एरिया है एल टू, एंड रेडियस क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर मतलब लेंथ, और लेंथ का क्या करना है? स्क्वायर। एल टू एल टू उड़ जाएगा, तो सॉलिड एंगल भी क्या होता है बच्चा? डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। समझ आई आपको बात समझ में? ओके चलिए अब कुछ डायमेंशन बनाते हैं रिलेटेड टू द मोशन। मोशन के रिलेटेड जो जो टर्म्स आते हैं उसके डायमेंशन फटाफट डिराइव कर लेते हैं, ठीक है? चले बेटा तो मोशन के रिलेटेड सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है या तो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा? ये दोनों ही मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में होंगे, मतलब एक टाइप का ये लेंथ है। तो क्या हो जाएगा? ये m0 l1 t0, क्योंकि ये एक टाइप का लेंथ है। समझ रहे हो ना बात को? चले बेटा उसके बाद आता है स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी, यस, मेरे सारे बच्चों को पता होगा स्पीड क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है बच्चा? एल वन। टाइम क्या होता है? टी वन। तो ये डायमेंशन बन जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है बच्चा? अब इसके बाद आता है, अगर आपको याद हो तो, एसेलरेशन। क्या आता है इसके बाद? एसेलरेशन। क्या होता है एसेलरेशन, याद है आपको? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, याद है ना 9th स्टैंडर्ड, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चलो वेलोसिटी ये रहा बच्चा ऊपर, एल वन टी माइनस वन। टाइम क्या होता है? टी वन। तो ये हो गया बच्चा m0 l1 t माइनस टू।
एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चा, m1 l0 और t-2। सारे डायमेंशन रटने नहीं है आपको, आपको ना ये बेसिक रिलेशंस पता होने चाहिए, तो आप डायमेंशन आराम से बना लोगे आगे जाके। ओके बच्चा, मैं आपको वो सारे डायमेंशन कराऊंगा जो डायमेंशन आपको इस चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त दिखेंगे कहीं पे भी, मैं सारे आपको करा दे रहा हूं अभी, ठीक है ना। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, यू शुड नो स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है पता है आपको? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बहुत क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, तो ये भी तो एक्सेलरेशन ही है ना, तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा बच्चा m0 l1 t-2। चलिए अब आता है बच्चा मोमेंटम। यू नो मोमेंटम? यस, यू शुड नो। सो मोमेंटम पी क्या होता है बच्चा? मास इनटू वेलोसिटी, 9th स्टैंडर्ड। चलो मास क्या होता है बच्चा? m1। वेलोसिटी कहाँ है? ये रही देखो l1 t-1। तो बच्चे मोमेंटम क्या बन जाता है? m1 l1 t-1। क्या हो गया बच्चा? ये डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम पी। इसको इतनी इज्जत काहे मिल रही है, निकाल ब्रैकेट को। ओके चले बेटा आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम के बाद अब आता है आपका फोर्स। यू नो फोर्स? फोर्स क्या होता है बेटा? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज m1। बोलो एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? l1 t-2। तो फोर्स क्या बनेगा? m1 l1 t-2। अच्छे से इसको ध्यान रखना, ये बहुत आता है एग्जाम में फोर्स का, m1 l1 t-2। राइट, अब इसी के साथ आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है पता है आपको? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चे लोग? प्रेशर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन, ये 14 हमने यहां कंप्लीट करे, अब आगे चलते हैं नंबर 15। ओके, सो 15 नंबर इज द प्रेशर। ओके बच्चा, तो प्रेशर पी क्या होता है? ये होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का भी मैंने आगे लिखवाया m1 l1 t-2, और एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ l2। l2 ऊपर आएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा -1। तो बच्चा प्रेशर का डायमेंशन है m1 l-1 t-2। किसका डायमेंशन है ये? प्रेशर का। अंडरस्टूड? चले बेटा एक और टर्म आपको बार बार देखने मिलेगा, विच इज इम्पल्स। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपको देखने मिल सकता है इम्पल्स। तो ये इम्पल्स और कुछ नहीं है, ये इम्पल्स आई होता है चेंज इन मोमेंटम। ये आप चैप्टर नंबर 4 में सीखोगे। तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो जो मोमेंटम का है वही इम्पल्स का भी होता है। और देखो मोमेंटम क्या है? m1 l1 t-1, नंबर 13। तो ये भी क्या हो जाएगा? इम्पल्स भी m1 l1 t-1। ये हो गया इम्पल्स। ओके चलिए बच्चा अब चलते हैं वर्क के ऊपर। सो वर्क या एनर्जी, अब एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो या हीट, हीट भी एक टाइप का एनर्जी ही है, राइट? सो वर्क दिया हो, एनर्जी दिया हो या हीट दिया हो, ओके ये सबका डायमेंशन क्या बनेगा बच्चा? तो आप 9th में सीखे थे वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है m1 l1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ इन मीटर और सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा m1 l2 t-2। क्या है बच्चा ये? एनर्जी। m1 l2 t-2 क्या है भैया? ये एनर्जी हो गया। क्या फॉर्मूला यूज करना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी, सब में एनर्जी का डायमेंशन यही आता है m1 l2 t-2। क्लियर? ओके चलिए देन नंबर 18, पावर। यू नो बच्चा पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। चलो ये रहा वर्क का डायमेंशन। क्या है बच्चा वर्क का? m1 l2 t-2 डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज t1। तो पावर हो जाएगा m1 l2 t-3। कितना डायमेंशन बन गया बेटा? ये पावर का डायमेंशन बन गया। क्या बन गया? m1 l2 t-3। समझे कहां तक डायमेंशन आ गए बच्चा? आपके नंबर 18 तक हो गए। ओके चलिए और आगे बढ़ेंगे। ये आपको ना ओवर द टाइम डायमेंशन याद रह जाएंगे, इसको आपको बहुत हार्डली कोशिश नहीं करनी है याद रखने। ये सारे डायमेंशन आपको ओवर द टाइम याद रह जाएंगे, राइट? चलिए ये हो गया पावर। अब बेटा यहां से एक कदम आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी।
तो बेटा फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो ये सिंपली हो गया m0 l0 t-1, क्या हो गया ये फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक टर्म बहुत देखने मिलेगा, प्लैंक कांस्टेंट, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से ये आना चालू करेगा और 12th में लास्ट तक आता रहेगा ये। ओके, सो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब बच्चा प्लैंक कांस्टेंट h, इसका सिंबल है h, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। आप केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में सीखोगे कि फोटोन लाइट का एनर्जी होता है h इनटू f, तो h होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे h क्या होता है बच्चा, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। चलिए मुझे बताइए एनर्जी क्या है, तो आपके बाजू में ही है यहाँ पे एनर्जी m1 l2 t-2, फ्रीक्वेंसी ये रहा t-1, तो बच्चा प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा m1 l2 t-1। क्या हो गया ये प्लैंक कांस्टेंट, m1 l2 t-1। ओके, फिर आपको जो बहुत काम आता है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो बच्चा नाइन्थ में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसा सीखा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, सीखा था ना आपने ये, बस तो यही आप यूज करो। चलिए फोर्स का डायमेंशन रखेंगे m1 l1 t-2, आप आगे देख लेना फोर्स का डायमेंशन, लिखा दिखा देते आपको ये रहा m1 l1 t-2 फोर्स का डायमेंशन, राइट। चलो देन मैंने ब्रैकेट नहीं करा, डायमेंशन में ब्रैकेट होने जरूरी है, राइट, बना लेते हैं, क्या घर की खेती है ना ये, तो लो बना दिए डायमेंशंस, इतना अच्छा मौसम है बाहर। चलो फोर्स का डायमेंशन लगा दिया m1 l1 t-2, कैपिटल जी फाइंड करना है, मास इज m1, वापस मास आया m1, डिवाइड बाय डिस्टेंस इज लेंथ का क्या करना है स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो जाएगा m2 है यहां पे, देखो एक एक m1 उठ जाएगा, m1 सामने आएगा, m-1 हो जाएगा, l2+1 l3 हो जाएगा और t हो जाएगा -2। तो ये हो गया बेटा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m-1 l3 t-2। चलिए फिर आपको जो एक बहुत बहुत काम में आने वाला है एक और, विच इज सरफेस टेंशन। मैं चाहता हूं बेटा कि आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो, सारे एमसीक्यू सॉल्व हो इस चैप्टर के, राइट। सो बेटा 11th के फॉर्मूला में सारे ही आपको करा रहा हूं, तो सरफेस टेंशन टी, इसका सिंपल सा भी फॉर्मूला याद रखेंगे, ये होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है सरफेस टेंशन? होता है फोर्स बाय लेंथ। ओके चलिए, ये आप धीरे धीरे फिजिक्स में सीखोगे, ये चैप्टर नंबर 9 में आएगा, बट क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर के जब एमसीक्यूज लेके बैठोगे ना, तो उसमें ये सारे टर्म्स आपको दिखेंगे, फिर आपको ऐसा ना हो कि हमारे सर ने तो हमको बताया ही नहीं, तो इसीलिए मैं आपको सारे डायमेंशन अभी करवा दे रहा हूं। तो सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स बाय लेंथ। ओके चलो, फोर्स क्या होता है m1 l1 t-2, लेंथ क्या है l1 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 कट, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है बच्चा m1 l0 t-2। क्या होता है सरफेस टेंशन का डायमेंशन? होता है बच्चा m1 l0 t-2, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फिर एक और फॉर्मूला जो बड़ा काम में आएगा, विच इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ईटा, ईटा उसका सिंबल है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके सो दैट इज विच क्वेश्चन, विच नंबर 23। अभी मैं और दो तीन स्लाइड चार स्लाइड भरूंगा, ओहो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। चलिए 23 इज बच्चा कौन सा कहा मैंने, हाँ विस्कोसिटी कहा ना मैंने आपको, विस्कोसिटी, ये भी चैप्टर नंबर 9 में आएगा ईटा। चलिए ये कहां से लाना है, तो उसी चैप्टर नंबर 9 में आप एक फॉर्मूला सीखोगे स्टॉक्स लॉ के नाम से, और वो स्टॉक्स लॉ कहता है कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 pi eta r v। ऐसा एक फॉर्मूला आप सीखोगे, राइट। फॉर्मूला है क्या, सपोज एक लिक्विड है और उस लिक्विड में से एक ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस है r, अगर वो v स्पीड से पास हो रहा है, कितने स्पीड से पास हो रहा है, v स्पीड से, तो ऑब्वियस है कि ये लिक्विड उसके मोशन को अपोज करेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। तो ये रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला है 6 pi eta r v, याद रखेंगे 9 चैप्टर में डिटेल में करेंगे। चलो फोर्स क्या है बच्चा, m1 l1 t-2, 6 एंड पाई तो नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट।
ईटा हम फाइंड करेंगे। आर है रेडियस, रेडियस मीटर या सेंटीमीटर में होगा, मतलब लेंथ है। एंड वेलोसिटी होता है एल वन टी माइनस वन। अब आप बच्चा जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ईटा मिलेगा एम वन, ये एल वन सामने आएगा एल माइनस वन, टी सामने आ जाएगा क्या बच जाएगा माइनस वन बच जाएगा, प्लस वन होगा सामने आके माइनस टू प्लस वन कितना बचेगा माइनस वन। तो ये हो गया बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। ओके, और एक लास्ट जो आपको इलेवेंथ में से काम में आ सकता है दैट इज कंडक्टिविटी। मैंने मेजॉरिटी आपको 11th स्टैंडर्ड के जितने फिजिक्स में नए नए टर्म्स है उसका डायमेंशंस बता दिए है, राइट। एक दो रोटेशनल के भी अभी मैं आपको करवा देता हूं। ओके, देन 24th मैंने कौन सा कहा बेचा, कंडक्टिविटी कहा ना, थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं, कौन सी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के। सो बच्चा एक फॉर्मूला है फिजिक्स में कि हीट बाय टाइम इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस। क्या है मैं अब समझा देता हूं आपको। सपोज ये एक दीवाल है राइट, और ये दीवाल का थिकनेस है बच्चा डेल्टा एक्स। अब इस तरफ टेम्परेचर है टी वन, इस तरफ टेम्परेचर है टी टू। सपोज ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है, तो बेटा आपको पता ही है ना कि हीट फ्लो होने वाला है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये जो हीट फ्लो होता है ना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ये हीट का फॉर्मूला आप चैप्टर नंबर 12 में सीखोगे कंडक्शन के टॉपिक में। तो ये कंडक्शन का फॉर्मूला है, हीट फ्लो बाय टाइम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, ये जो भी मटेरियल है राइट, कुछ भी मटेरियल हो सकता है। इसका कंडक्टिविटी है के, इसका एरिया है पूरे प्लेट का एरिया है ए, टेम्परेचर का डिफरेंस है टी, एंड नीचे क्या आएगा ये प्लेट का थिकनेस आएगा एक्स। ठीक है, चलिए ओके। तो हीट का मैंने क्या कहा था, जो एनर्जी का है वही हीट का है ना। सो बच्चा चेक करो एनर्जी क्या है, एम वन एल टू टी माइनस टू। तो हीट भी क्या होता है बच्चा, एम वन एल टू टी माइनस टू। टाइम क्या होता है टी वन, के हम फाइंड करेंगे एरिया लेंथ का स्क्वायर, टेम्परेचर टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है बच्चा केल्विन के वन लिखा था मैंने आगे, ऑब्वियसली लिखा था ना, ये रहा टेम्परेचर क्या है केल्विन के वन। ओके, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये क्या है बच्चा थिकनेस, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में हो सकता है, तो ये एक टाइप का लेंथ है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एल टू एल टू कैंसल, सो आपका कंडक्टिविटी के आ जाएगा बच्चा एम वन, एल ऊपर आएगा एल वन, टी यहां से कटोगे हो जाएगा माइनस थ्री, वन ऊपर आएगा ना माइनस थ्री, एंड के सामने आएगा के माइनस वन। तो ये हो गया बच्चा थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। तो इस तरह से आपको अगर कुछ फॉर्मूला दिया हो तो उसमें जो जो टर्म्स आपके नोन है वो सारे नोन टर्म्स के डायमेंशन आप डाल दो, आपको अननोन टर्म का डायमेंशन मिल जाएगा। जैसे मैंने यहां से किसका डायमेंशन निकाला, इस कंडक्टिविटी के का, मैंने हीट रख दिया, टाइम रख दिया, एरिया रख दिया, टेम्परेचर रख दिया और लेंथ रख दिया या थिकनेस रख दिया, सॉर्ट आउट किया, सिंप्लीफाई किया, आपको के का डायमेंशन मिल गया। ठीक है बच्चा। अब बेटा 11th स्टैंडर्ड में ना आपको एक चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन के ना एक दो टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज में देखने मिल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन से वो टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने मिल सकते हैं बच्चा। तो एक है उसमें टॉर्क, इसका सिंबल है टॉ, और टॉर्क होता है सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या फोर्स है क्या डिस्टेंस है वो आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में रोटेशन में। ओके, सपोज मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है, ये उसका हिंजेस है राइट। अगर आपने दरवाजे पे एफ जितना फोर्स लगाया, यहां पे कितने डिस्टेंस पे हिंजेस से आर डिस्टेंस के ऊपर, तो ये दरवाजा रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा ना फोर्स लगाओगे तो राइट। तो कितना घूमेगा वो डिसाइड करता है टॉर्क, और टॉर्क होता है ये फोर्स इनटू डिस्टेंस जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया है। डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में मैं ही आपको सिखाऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, है ना। मेरा काम है सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन डिटेल में सिखाना, बाकी चैनल की तरह ऊपर ऊपर से सिखाना मुझे मजा नहीं आता है। ओके चलो, तो फोर्स मैंने आगे बताया बच्चा एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्टेंस क्या होता है एल वन, तो ये हो गया एम वन एल टू टी माइनस टू। किसका हो गया ये टॉर्क का, ये सेम एनर्जी का ही है एम वन एल टू टी माइनस टू राइट। फिर एक और टर्म आता है बच्चा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम
इसका सिंबल है एल। सो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, जो नॉर्मल आपका मोमेंटम होता है वो, इनटू डिस्टेंस, याद रखेंगे। ओके क्या होता है ये मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। चलो सो नॉर्मल मोमेंटम का सिंबल है पी और डिस्टेंस का सिंबल है आर। सो नॉर्मल मोमेंटम क्या है बेटा, मुझे तो याद है आपके लिए निकाल रहा हूं, एम वन एल वन टी माइनस वन, ये रहा मोमेंटम एम वन एल वन टी माइनस वन। ठीक है, विच इज एम वन एल वन टी माइनस वन और डिस्टेंस क्या होता है एल वन। तो ये हो गया एम वन एल टू टी माइनस वन, किसका डायमेंशन हो गया ये, एंगुलर मोमेंटम का। ओके तो बच्चा मेरा मानना है वहां तक 11th स्टैंडर्ड के जितने भी फिजिक्स के नए नए टर्म्स है वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया, ऑलमोस्ट। देयर आर सो मेनी टर्म्स, बट जो जो टर्म्स आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिखेंगे ना वो मैंने आपको मेजॉरिटी करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा 12th के फिजिक्स पे चल के थोड़े से 12th के फॉर्मूलाज भी देखते हैं, क्योंकि आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने जाने वाले हो ना वो 2 साल के बाद जाने वाले हो, राइट। तो आप 11, 12 दोनों पढ़ के जाओगे तो आपको कोई भी डायमेंशन कोई भी क्वांटिटी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके सी दिस, हाउ कैन दिस बी आस्क्ड, राइट। देखते हैं चलिए। सो नंबर 27, नंबर 27। ओके चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है A1, करंट I, राइट। देन कम्स इलेक्ट्रिक चार्ज। वाह बच्चा वाह, 10th स्टैंडर्ड में तुम सीखे हो ये कि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट इज A1, टाइम इज T1, तो चार्ज क्या होता है बच्चा, A1 T1। ये सर्कल क्यों कर रहा हूं भाई, इतना इज्जत क्यों दे रहा है इसके, ऐसा कुछ तूने किया नहीं कि तुझे इतना इज्जत मिले। हाँ चार्ज। ओके सो दिस इज M0 L0 A1 T1, किसका हो गया ये, चार्ज का। अब आप याद करो, आपने एक फॉर्मूला किया था पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या वोल्टेज V कह लो, क्या होता है वोल्टेज, याद है आपको, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 10th का फॉर्मूला। वर्क डन अभी आपने आगे डिराइव किया M1 L2 T-2 और चार्ज ये रहा ऊपर A1 T1, ये रहा चार्ज A1 T1। तो बेटा वोल्टेज हो जाता है M1 L2 T-3 A-1, ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, समझे कि नहीं। चलिए, और इलेक्ट्रिसिटी आए और रेजिस्टेंस को भूल जाए, ये तो कैसे हो सकता है, रेजिस्टेंस R। तो बेटा आपको ओम्स लॉ याद है, क्या था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, V बाई I, ओम्स लॉ। चलो वोल्टेज क्या है बच्चा, M1 L2 T-3 A-1, ये वाला पूरा डिवाइड बाय करंट इज अगेन A1। तो बच्चा रेजिस्टेंस आता है M1 L2 T-3 A-2, इसका डायमेंशन हो गया बेटा ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। इजी टू अंडरस्टैंड, समझ आ रहे हैं आपको सारे टर्म्स, 2-3 बार पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो फिर सारे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, अगर आप चाहते हो तो फिट हो जाएंगे, राइट। ओके तो ये इलेक्ट्रिसिटी में करंट, चार्ज, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी में बच्चा 2 और फॉर्मूला जो बड़े काम में आने वाले हैं, उसमें एक है कैपेसिटेंस, 12th के फिजिक्स में आता है ये, और ये कैपेसिटेंस सी होता है द रेशियो ऑफ चार्ज बाय वोल्टेज। क्या होता है कैपेसिटेंस, सिंपल है, चार्ज बाय वोल्टेज। अभी क्या है कैपेसिटर, क्या काम है इसका, उसका अभी कोई मतलब नहीं है, अभी आम है हमें डायमेंशन का, क्योंकि हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने हैं सारे। ओके चलो, चार्ज क्या है बच्चा, A1 T1 आपके बाजू में ही है। वोल्टेज क्या है देखो, तो M1 L2 T-3 A-1, तो बच्चा कैपेसिटेंस हो जाएगा M-1 L-2, T कितना हो जाएगा ऊपर आके T4, A भी ऊपर आके 1+1 क्या हो जाएगा A2। ओके लगे हाँ, तो एक और चीज याद रख लेना आप, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। अगर आप ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करो, देखो M1 उड़ जाएगा, 1-1 ये 1, ये -1 कैंसिल, 2-2 लेंथ भी कैंसिल, A-2 A2 कैंसिल, टाइम -3 टाइम +4 क्या बचेगा, T1 बचेगा। तो याद रखना कि R इंटू C का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का ही डायमेंशन होता है, पूछा जाता है। हाँ मैं कुछ वैसे गप्पे नहीं मार रहा हूं, ये दिखेगा आपको बहुत जगह पे,
व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आर इंटू सी, तो तुम मुझे याद करना कि हमारे सर ने बोला था कि आर इंटू सी क्या होता है, टाइम होता है। तो देखो डायरेक्ट टाइम आ गया यहाँ पे, ठीक है। चले देन एक और टर्म बच्चा, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एल। तो कोई भी नॉर्मल कॉइल होता है ना, कोई भी नॉर्मल कॉइल राइट, वो नॉर्मल से कॉइल का एक टर्म एसोसिएट होता है जिसे कहा जाता है इंडक्टेंस। और उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं डायमेंशन लाने के लिए, राइट। तो एक डायमेंशन ये है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चा हाफ इंटू एल इंटू करंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ट्वेल्थ में सीखोगे और इस फॉर्मूला से आप इंडक्टेंस का डायमेंशन बहुत आसानी से बना सकते हो कि एनर्जी होता है हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। चलो अब एनर्जी क्या है बच्चा, एम वन एल टू टी माइनस टू, हाफ तो डायमेंशन लेस होगा, नंबर है ना, नंबर का कोई काम नहीं है हमें। करंट क्या होता है बच्चा, ए टू। तो देखो एल का आ गया एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, तो ये किसका डायमेंशन हुआ बेटा, लेंथ का, ओके सॉरी लेंथ नहीं इंडक्टेंस का, मैं कहा लेंथ में चला गया। सो इंडक्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी रखो, करंट रखो, ए टू आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे लगे हाथ तो बच्चा एक डायमेंशन याद रखो, आर बाई एल रेजिस्टेंस बाई इंडक्टर। देखो डिवाइड करो, हाँ रेजिस्टर डिवाइड करना है, एम वन कट डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं, एम वन कट एल टू कट a माइनस टू कट। r में ऊपर क्या है, क्या है ऊपर माइनस थ्री, इसमें क्या है माइनस टू, ओके। सो r बाय l की जगह ना आप l बाय r करो, इट विल बी इजी टू रिमेम्बर, l बाय r। देखो मैं लिख देता हूं, l है m1 l2 t माइनस टू a माइनस टू और रेजिस्टेंस है m1 l2 t माइनस थ्री a माइनस टू। देखो ये सब कट हो गया, t3 माइनस टू कितना बचेगा, खाली t1 बचेगा, मतलब L बाई आर का भी डायमेंशन क्या होता है बेटा, टाइम का ही होता है। R इंटू सी भी टाइम था, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस भी टाइम था, एंड इंडक्टर बाई रेजिस्टेंस भी टाइम का ही डायमेंशन सेट होता है, ध्यान रहे ये बात सबको, ओके फाइन। चलो तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए बहुत सारे टर्म्स सॉल्व कर लिए। अब एक दो ऐसे सिंपल सिंपल टर्म, सिंपल तो नहीं कहेंगे बट एक दो ऐसे टर्म जो आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज में पीवाईक्यूज में फ्रीक्वेंटली देखने मिलेंगे, वो मैं आपको लास्ट में करा दे रहा हूं। विच इज कौन सा नंबर आया बच्चा, कहाँ आया, 34 हुआ ना, 35। चलो 35 इज मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी कहते हैं इसको। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए ना आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन तुरंत ही आ जाएगा। आपने टेंथ में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर इस तरह से आप मैग्नेट को रखोगे और उसके बीच में अगर ऐसे वायर रख के करंट पास करोगे ना, तो ये वायर को फोर्स लगता है, याद है आपको, है ना, ऐसे लेफ्ट हैंड यूज करके आप डायरेक्शन निकालते थे, है ना। सो बेटा इसी के बेस्ड ये वायर को कितना फोर्स लगेगा, तो ये वायर को फोर्स का फॉर्मूला होता है आई इंटू एल इंटू बी। तो यहां से मुझे ये B का डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स क्या होता है M1 L1 T माइनस टू, फोर्स है M1 L1 T माइनस टू, करंट होता है A1, लेंथ होता है L1 इंटू B, हमें फाइंड करना है। तो लो आ गया आपका B का डायमेंशन, M1 L L उठ जाएगा L0 T माइनस टू A माइनस वन, किसका डायमेंशन बना बच्चा ये मैग्नेटिक फील्ड का, M1 L0 T माइनस टू A माइनस वन, किसका डायमेंशन है ये मैग्नेटिक फील्ड का। चलिए इसी तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कहते हैं इसको, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या है एम वन एल वन टी माइनस टू, चार्ज क्या है बच्चा ए वन टी वन, तो ये हो गया एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन, किसका डायमेंशन हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके चलिए अब आखिरी दो डायमेंशन, बब्बर शेयर डायमेंशन, आखिरी दो बब्बर शेयर डायमेंशन में कह रहा हूं, हाँ ठीक है। देखिए एक है परमिटिविटी, सर आप तो अपने पटारे से निकालते ही जा रहे हो, सब कुछ निकालते ही जा रहे हो, निकालते ही जा रहे हो, क्या करें बेटा ये। अब जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे टर्म्स दिखेंगे, और अगर मैं नहीं कराऊंगा अभी तो आप बोलोगे कि सर ने तो हमको आधा अधूरा पढ़ा दिया,
ऐसा थोड़ी यार, पढ़ा पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है ना। आप मेरा टार मेरा मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको खुश हो, आप लेक्चर देख के खुश हो जाओ, है ना। अगर मैं खाली इजी इजी 4-5-10 डायमेंशन करा दूं, आप खुश हो जाओगे, ओ वाओ कितना इजी टॉपिक हो वाओ, फिर आप PYQs लेके बैठोगे और PYQs आपसे बनेंगे ही नहीं। फिर आप किसको कोसोगे? मुझे ही कोसोगे ना, कि सर ने अधूरा कराया। तो ये चैनल पे ना आप खुश होने के लिए नहीं आते हो, ये चैनल पे आप पढ़ाई करने के लिए आते हो। और यहाँ पढ़ाई सब कुछ डिटेल में होती है, एंटरटेनमेंट कम होता है, पढ़ाई ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, परमिटिविटी, इसका एक फॉर्मूला है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ट्वेल्थ का ये फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला ट्वेल्थ का, फोर्स इक्वल टू 1/4π0 चार्ज इंटू चार्ज डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये बहुत सिमिलर फॉर्मूला है न्यूटन के ग्रेविटेशन जैसा, राइट, बहुत सिमिलर। ये लाइट कैसे चालू हुई, एक सेकंड, ओके। वो लाइट चालू कर दी थी, मासी आए ना साफ सफाई करने, उन्होंने बंद करा दी। क्लैरिटी सब सही है ना बेटा? देखिए, कोई एकदम खतरनाक प्रोफेशनल सेटअप तो है नहीं मेरे पास। एक LED फोकस इस तरफ है, एक LED फोकस इस तरफ है, और बस मैं आपके लिए काम करे जा रहा हूं, है ना। चलिए, तो फोर्स रखे यहां पे m1 l1 t-2, 1/4π नंबर है उसको छोड़ दीजिए। हमें फाइंड करना है एप्साइलॉन जीरो जो नीचे है, चार्ज इस a1 t1, वापस चार्ज आया a1 t1, और नीचे डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? एल का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, दैट इज l2। इस तरह से दो चार्जेस है, एक q1 एक q2, उनके बीच का डिस्टेंस है r, राइट, ओके। और वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे बाय सम फोर्स, उसका यह फॉर्मूला है। चलो, एप्साइलॉन जीरो क्या हो जाएगा बच्चा? एप्साइलॉन जीरो ऊपर ले लेंगे, चलिए ये पूरा नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर है a2 और t2, ये m1 नीचे आ गया, l1 नीचे आके l3 हो गया, t-2 नीचे आ गया, समझे। अब ऊपर ले लो सबको, यू गेट m-1 l-3 t4 a2, m-1 l-3 t4 a2, m-1 l-3 t4 a2। कौन सा फॉर्मूला से लाना है आपको? ऐसा कुछ भी दिखे तो एप्साइलॉन जीरो फॉर्मूला है, 1/4π0 q1 q2 r² = force। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्स रखेंगे, चार्ज इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर रख के एप्साइलॉन जीरो निकाल लिया हमने। क्या आया डायमेंशन? m-1 l-3 t4 a2, ओके। चलो, नाउ यू हैव अनदर टर्म विच इज कॉल्ड परमीएबिलिटी। इसके बाद अब एक लास्ट टर्म बचा है बेटा, परमीएबिलिटी का सिंबल है μ0, राइट। और ये परमीएबिलिटी के लिए मैं जो फॉर्मूला हमेशा यूज करता हूं या बच्चों को यूज करवाता हूं, वो फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक कॉइल है एल लेंथ का, उसमें से अगर आई करंट जा रहा है तो उसके अंदर क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपने देखा होगा ये सोलेनोइड में 10th स्टैंडर्ड में, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चा, बी दिख रहा है ना क्लियरली, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चा μ0 ni/length, ठीक है। यहां से मैं μ0 निकालूंगा। चलो, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है बेटा? बी का है m1 l0 t-2 a-1, किसका डायमेंशन है बेटा? ये b का, m1 l0 t-2 a-1। μ0 हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज जस्ट अ नंबर, डायमेंशनलेस। करंट होता है a1, करंट इज a1 एंड लेंथ इज l1। सिंप्लीफाई करो, m1 l1 t-2 a-2। तो बच्चा यहां से इस μ0 का डायमेंशन क्या मिलेगा आपको? μ0 मिल जाएगा आपको m1 l1, हो जाएगा ऊपर आके टी रहेगा -2, ए सामने आके हो जाएगा -2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, m1 l1 t-2 a-2। गॉट इट, समझ आई बात आप सबको? ओके, चल बच्चा, नाउ द लास्ट वन, फाइनली द लास्ट वन, एक रिलेशन है विच इज द स्पीड ऑफ लाइट 39, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे तो और बहुत सारा डायमेंशन है फिजिक्स में, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मेजोरिटी इतने क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। यू हैव अनदर टर्म स्पीड ऑफ लाइट, सी इक्वल टू, आप ट्वेल्थ में यह फॉर्मूला सीखोगे, 1/√ इंटू परमिटिविटी। तो यहां से हम याद रखेंगे बेटा, c² होता है 1/
म्यू जीरो ई जीरो, तो म्यू जीरो इंटू ई जीरो होता है वन बाई सी स्क्वायर। सी क्या है? स्पीड है ना, स्क्वायर किया इनवर्स कर लिया, सी इज अ स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चा? स्पीड होता है एल वन टी माइनस वन, क्या करना है उसका स्क्वायर करना है, ऊपर आ जाएगा। तो ये टर्म आप याद रखना खास, परमिटिविटी इंटू परमिएबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशन होता है, ऊपर आएगा ये एल टू और ये ऊपर आ जाएगा, सॉरी इनवर्स करना है ना आपको, इनवर्स करना है ना, तो ये एल टू ऊपर आएगा एल माइनस टू, टी माइनस वन ऊपर आएगा, टी माइनस टू ऊपर आएगा टी टू। तो ये भी आप बच्चा खास ध्यान रखना। ओके सो बच्चा आपके इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आप किसी भी पीवाई क्यूज में, नीट के या जेई के पीवाई क्यूज में आपको दिखेंगे, वो सारे के सारे डायमेंशन मैंने इसमें करवा लिए है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके सिवाय का कोई डायमेंशन आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिखने के कुछ भी चांसेस है। अब सवाल है कि सर ये एमएलटी एमएलटी इतना आपने कराया, उसका करना क्या है? तो बेटा आज हम देखेंगे कि वो एमएलटी वाले डायमेंशन का काम क्या है और हमने क्यों ये सीखा, राइट? तो बच्चा आज का क्लास है अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके चले बच्चा ज्यादा बातें ना करते हुए, सबसे पहला उसका एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है, दैट इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दे और आपको चेक करना है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि अगर बेटा मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन दूं कि बच्चा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है भी के नहीं है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो दोनों तरफ जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं दोनों के डायमेंशन सही माने चाहिए। अगर ऐसा है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। चलिए तो यहां पर क्या है बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी है। ओके एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चा? एम वन एल टू टी माइनस टू। चलिए इस तरफ डायमेंशन क्या है देखते हैं। हाफ तो नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इस टर्म का डायमेंशन अगर हम देखें तो मास का होता है m1, वेलोसिटी होता है l1 t माइनस वन, क्या करना है उसका स्क्वायर करना है। तो ये डायमेंशन हो गया बच्चा आपका m1 l2 t माइनस टू। तो देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या डायमेंशन? m1 l2 t माइनस टू। राइट हैंड साइड पे क्या डायमेंशन? m1 l2 t माइनस टू। क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन सेम है मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ क्या ये इक्वेशन एग्जैक्टली सही है, फिजिकली सही है कि नहीं है वो आपको पता नहीं चलना है। क्यों पता है? क्योंकि आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का सही फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर ही होता है, आप नाइन्थ में सीखे हो। अगर मैं हाफ की जगह पे सपोज मान लीजिए यहां पर वन बाई फोर कर दू, वन बाई एट कर दू, तो भी डायमेंशन तो सेम ही रहने वाला है दोनों तरफ, क्योंकि आप ये आगे वाले नंबर को तो डायमेंशन में कंसिडर ही नहीं करते हो, राइट? तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअली भी करेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस में जो ये कांस्टेंट होते हैं ना उसका कोई डिस्कशन नहीं होता है। समझ आई बात आपको? चले बच्चा अब इसका एक ना इंपॉर्टेंट यूज है। इसका यूज क्या है? आप इसकी मदद से ना, ये कंसेप्ट की मदद से आप कुछ मिसिंग टर्म के डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। देखिए कैसा मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है? सपोज बच्चा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको ना मिसिंग टर्म के कुछ डायमेंशन निकालने हैं। ओके चलिए उससे पहले ना ये देख लीजिए, एग्जांपल है एक, क्या कहा है आपको चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। चले बच्चा चेक करते, तो यहाँ पे क्या टर्म है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ को मारो गोली, एम है मास, मास है आपका एम वन, वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है एल वन टी माइनस वन, डिस्टेंस बाई टाइम, क्या करना है उसका स्क्वायर। तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन हुआ एम वन एल टू टी माइनस टू। चलो राइट हैंड साइड पे क्या होगा डायमेंशन चेक करें, तो बेटा राइट हैंड साइड पे मास है, मास होता है m1, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमने लिखा है, एक्सेलरेशन होता है l1 t माइनस टू, nh इज हाइट, हाइट भी क्या होगा l1, एक टाइप का लेंथ ही होगा मीटर में या सेंटीमीटर में। तो बच्चा ये क्या हो गया m1 l2 t माइनस टू। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या था? m1 l2 t माइनस टू। राइट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या है? m1 l2 t माइनस टू। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसा है बच्चे? करेक्ट, राइट? हैंस दिस इक्वेशन इज, ओके योर आइडिया, डायमेंशंस ऑफ बोथ
sides are equal, hence this equation is dimensionally correct. अब बेटा मुझे एक बात का आंसर देना, ठीक है? मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूं कि सपोज आपको कहूं 5 kg + 10 seconds, क्या होगा बोलो? 5 kg + 10 seconds, आपको कहे सर क्या फालतू बात कर रहे हो, केजी में सेकंड कैसे ऐड होगा? एग्जैक्टली नहीं ऐड होगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, आप ये कर ही नहीं सकते हो. बट अगर मैं आपको कहूं बच्चा के 5 kg + 10 kg, तो आप तुरंत कूद के बोलोगे ए सर 15 kg होता है आंसर. मतलब क्या पता है बच्चा, मतलब यह है कि आप वही टर्म्स को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो दोनों टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटी हो. केजी मास है, केजी भी मास है, मास में आप मास को ऐड कर सकते हो, मास में आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते हो. मतलब अगर दो क्वांटिटी को आपने प्लस किया है, दो क्वांटिटी को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों क्वांटिटी फिजिकली सेम हो, मतलब दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो. इससे आपको बहुत एमसीक्यू मिलने हैं एग्जाम में, बहुत एमसीक्यूज. देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चा, मैं कहना चाहता हूं यहां पे के ओके ओनली क्वांटिटीज विथ ओनली क्वांटिटीज विथ सेम डाइमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. चलिए अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत मस्त एग्जांपल हम बनाएंगे. लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा, और क्वेश्चन को जिस तरह से दिख रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू, सपोज यहां पर है कुछ a + b / v, v इज वेलोसिटी प्लस सपोज ओके यहां पे हम एक और टर्म ले लेते हैं मेरे बच्चे, क्या टर्म ले ले हम बताओ ना, एक टर्म चले यहां पे टर्म ले लेते हैं प्रेशर डिवाइड बाय लेट अस से सम c स्क्वायर. अब मुझे ना यहां से बच्चे a b और c तीनों डायमेंशन निकालने हैं, तीन अननोन है. मैं दो टर्म आपको बता देता हूं, ये दोनों टर्म क्या है, ए वी क्या है, वी आपका वेलोसिटी, चलो लिख देते हैं वेलोसिटी, वेलसी हो गया ये तो, लेट्स राइट वेलोसिटी. ठीक है सब देखा, अब बेटा देख ध्यान से हाँ इसको सॉल्व कैसे करना है, ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे. तो हम क्या करेंगे बच्चा ध्यान से देखना, मैं देखूंगा कि किस किस टर्म को मैंने ऐड किया है, क्योंकि मैं उन्हीं टर्म को ऐड कर सकता हूं जो दोनों टर्म फिजिकली कैसे हो सेम हो. तो मुझे बड़ा क्लियर दिख रहा है कि मैंने बी के साथ वेलोसिटी को प्लस किया है. अगर मैं बी को वेलोसिटी में जोड़ सकता हूं तो बी खुद भी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप वेलोसिटी में क्या जोड़ सकते हो, वेलोसिटी ही जोड़ सकते हो, और कोई टर्म आप नहीं जोड़ सकते हो. तो मुझे यहां से एक बहुत क्लियर आइडिया मिल गया कि जो बी का डायमेंशन होगा ना वो क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा. और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, L1t - 1. लो आपको एक आंसर मिल गया, समझ आई बात आपको, आपने बी को वेलोसिटी में प्लस किया है, मतलब बी और वेलोसिटी दोनों डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे. चलिए एक काम हो गया, अब दूसरा काम देखते हैं, ठीक है लेट्स सी. अब बेटा ध्यान से देखो, मैं इस फोर्स में से ना ये टर्म को इस तरफ लेके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, हाँ के ना, ये टर्म इस तरफ है ना, अगर आप इस तरफ लोगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो फोर्स में से, फोर्स में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फोर्स को. मतलब अगर मैं ये पूरे टर्म को इसमें से माइनस कर सकता हूं, मतलब ये टर्म पूरा क्या होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए, तभी आप फोर्स को फोर्स में से माइनस कर सकते हो. बच्चे मेरी बात आ रही है समझ में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूं मैं, हाँ ओके. चलिए कभी मेरे ऑफलाइन क्लास पे आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा ये पूरी यहाँ पे ना सेना भरी होती है, एक भी जगह खाली नहीं होती है, 70-75 स्टूडेंट्स एक साथ में बैठ के पढ़ते हैं, राइट. वी आर वन ऑफ द वेल नोन इंस्टीट्यूट ऑफ सूरत फॉर साइंस फील्ड. बड़ी छोटी उम्र में मैंने ये काम कर लिया है. चलो अब यहां से देखो बच्चा, जो मैंने आपको कहा कि जो फोर्स का डायमेंशन है ना बच्चा, वही डायमेंशन होना चाहिए ये वाले टर्म का भी, तब भी आप इसको सामने लेके माइनस कर सकते हो. दैट हैज टू बी सेम एज बी बाय ए बाय वेलोसिटी का डायमेंशन. अब आप कहोगे कि ओ सर बी कहाँ गया, बी कहाँ गया, तो भाई तुम वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे, ये बी क्या है, वेलोसिटी है ना, तभी तो वेलोसिटी में जोड़ी है, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो आंसर तो वेलोसिटी ही रहने वाला है ना,
तो इसीलिए आपको नीचे एक ही बार वेलोसिटी लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ो तो आंसर तो वेलोसिटी ही रहने वाला है ना। बस तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। चले बच्चा, फोर्स आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए m1 l1t माइनस टू, एंड वेलोसिटी होता है बच्चा l1t माइनस वन। ये मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे के लेक्चर में मैंने 39 डायमेंशन करवाए है, सारे फॉर्मूला के साथ करवाए है, वहीं सब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेशन राइट। चलिए ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 L2 T माइनस थ्री, ये हो गया बेटा आपका एक और डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ A। सो बच्चा हमें दो डायमेंशन मिल गए, A भी मिल गया, B भी मिल गया। चले अब C की बारी है। अब आप वापस देखिए, मैं फोर्स में से ये जो टर्म है ना उसको भी सामने लेके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, हाँ क्या ना, मतलब ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म तीनों डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इसको चले लीजिए सामने, क्या हो जाएगा, इसको सामने लेंगे तो थर्ड टर्म, ठीक है बच्चा, जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, प्रेशर डिवाइड बाय सी स्क्वायर का होना चाहिए, है ना। चलो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, m1 l1 t माइनस टू, प्रेशर, प्रेशर होता है m1 l माइनस वन t माइनस टू डिवाइड बाय सी स्क्वायर है। प्रेशर में l माइनस वन आता है, फोर्स में l1 आता है, m1 t माइनस टू आप उड़ा दोगे दोनों तरफ से, सी स्क्वायर ऊपर आएगा, L सामने जाके हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, तो बच्चा यहाँ पे सी स्क्वायर कितना मिला आपको, L माइनस टू, तो डायमेंशन ऑफ C क्या है, L माइनस वन। तो आपका ये तीसरा आंसर भी आ गया, ये हो गया डायमेंशन ऑफ C, थर्ड टर्म L माइनस वन। आई बात समझ में। अब बेटा देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसी लिखी है कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन पूरी तरह से करेक्ट ही होगा। जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/4 mv² भी लेते हो तो भी डायमेंशन तो सेम ही रहना है ना, बिकॉज डायमेंशन में 1/2 1/4 उसका तो काम ही नहीं है, समझे ना। अब ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस पूछे जाते हैं राइट, नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में, ओके। सो इक्वेशन अगर डायमेंशन नहीं करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन करेक्ट ही होगा, समझे बच्चे। चलिए एक और साथ साथ में एप्लीकेशन हम देखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा ये लाइन को, एक और बेटा साथ में एप्लीकेशन देखते हैं, उसके क्वेश्चन भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे, मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे उसका सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए, ओके बेटा। चलिए मैं क्या कह रहा था आपको, तो मैं कुछ ये कह रहा था आपको कि बच्चा साइन के साथ, यू नो साइन के साथ जो एक्स हो, कॉस के साथ जो एक्स हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, टेन हो गया, कॉट हो गया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया राइट, फिर नेचुरल लॉग के साथ एक्स हो गया, या लॉग बेस टेन के साथ एक्स हो गया, या बच्चा e के पावर में कुछ x हो गया, या किसी भी नंबर के पावर में कुछ x हो गया राइट, ओके। तो बच्चा ये जो सारे x है ना, उसमें x हमेशा डायमेंशन लेस होता है, कैसा होता है, इन ऑल दिस केसेस x मस्ट बी डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन ऑफ x, तो आप साइन किसका निकालते हो, एंगल का निकालते हो ना, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, मतलब ये क्या होना है, एंगल होना है। और आप देखो तो 39 फॉर्मूला में एंगल कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये सारे क्या होंगे, एंगल होंगे, और एंगल कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो आप लॉग निकालते हो राइट, एंटी लॉग निकालते हो, ई का पावर निकालते हो, किसी भी नंबर का पावर निकालते हो, तो ये जो पावर्स है ना, ये जो नंबर है ना एक्स, रेस्ट टू बी सम नंबर ओनली। आप लॉग ऑफ कुछ नंबर का लॉग निकालते हो तो नंबर तो कैसा होता है, डायमेंशनलेस। अरे बात आपको मेरी समझ में, आप लॉग किस चीज का निकालते हो, नंबर का निकालते हो, जैसे कि लॉग 10, लॉग 20, ए रेस टू 2, ए रेस टू 3 राइट। मतलब ये जो पावर होगा ना, वो कुछ ना कुछ नंबर होता है, और नंबर का खुद का कुछ डायमेंशन नहीं होता है, नंबर हमेशा कैसा होता है बच्चे, डायमेंशन लेस होता है। नहीं बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि ना आपका फंडामेंटल ऐसा टकाटक क्लियर हो जाएगा, मैं तो खुद ही क्वेश्चन बना लेता हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी तो मेरे खून में अगर ऐसे निकाले ना, तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है ना, वो विटामिन पी सी निकलता है। ब्लड ग्रुप में कहाँ विटामिन आ गया सर, वो कहते हैं ब्लड ग्रुप पी सी निकलता है, पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री। सर सपोज मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है बच्चा, और वो क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख रहा है कि एक सिंपल सा टर्म ले लेते हैं, एनर्जी इज गिवन बाय Let us say, force F, F में आप टर्म लिख दूंगा, कौन सा टर्म क्या है, F alpha by beta square into
ई रेस टू माइनस एल बीटा बाय, यहाँ पे एनर्जी है ना, यहाँ पे फोर्स है राइट, मैं कुछ भी टर्म बना रहा हूँ माइनस एल बीटा डिवाइड बाय, तुम बोलो ना कुछ एक टर्म मस्त, चल चलो मैं लिख देता हूँ। ओके मोमेंटम ले ले, चलिए मोमेंटम लेते स्मॉल पी ले लेते, ठीक है स्मॉल पी। तो आपको बताना है अल्फा बीटा का डायमेंशन क्या होगा। सबसे पहले टर्म लिख देता हूँ, एफ क्या है बच्चा फोर्स है, और ये स्मॉल पी क्या दिया बच्चा मैंने आपको मोमेंटम दिया। मुझे बताना है अल्फा और बीटा ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा। तो बेटा आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हाँ लॉजिकली आप साउंड क्लियर होने चाहिए एकदम, फंडामेंटल अगर क्लियर होगा ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। फंडामेंटल क्या कहता है इसका, अब मैंने देखा ई के पावर में कुछ है, अब भी आपके सर ने आपको बताया कि ई के पावर में जो भी होता है ना वो कुछ ना कुछ नंबर होता है, नंबर क्या होता है डायमेंशनलेस, मतलब ये जो टर्म है ना आपका ई के पावर में ये क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, क्या होगा ये डायमेंशनलेस। तो सबसे पहला हिंट जो मैंने पकड़ा यहाँ पे बच्चा वो हिंट हो गया, ये जो ई के पावर में है ना क्या है एल बीटा बाई मोमेंटम पी, दिस हैज टू बी डायमेंशन लेस एम जीरो एल जीरो टी जीरो, क्योंकि ई ऑफ सम पावर होता है, पावर का ही आप लॉग निकाल सकते हो एंटी लॉग निकाल सकते हो, मतलब कुछ नंबर का लॉग एंटी लॉग निकलता है, पता भी आपको लॉग एंटी लॉग क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लॉग है ना लॉग, ये लॉग टेन बेस एक्स का मतलब है कि टेन का कौन सा पावर, टेन का कौन सा पावर ये एक्स होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि चल बोलो टेन का कौन सा पावर होगा 29 है, तुम बोलोगे सर ऐसा तो आता ही नहीं है, हमें तो क्या आता है टेन पावर वन इक्वल टू टेन, टेन पावर टू इक्वल टू हंड्रेड, टेन पावर थ्री इक्वल टू थाउजेंड, ये 29 कौन सा पावर आएगा टेन का। तो इसीलिए वो लॉग टेबल होता है राइट, उसी को लॉग कहते हैं, जिसमें आपको ना इससे नंबर अलग अलग किस पावर में आएंगे ना वो आपको पता चलता है। तो लॉग टेबल आपको बताता है कि 10 का कौन सा पावर ये 29 आता है राइट। तो इन शॉर्ट ये सारे क्या होंगे नंबर होंगे, नंबर होंगे मतलब दैट हैज टू बी डायमेंशन लेस। ओके आई ना आपको मेरी बात समझ में, चलो सो याद इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। एल क्या है लेंथ है एल वन, बीटा हमें नहीं पता है, पी इज मोमेंटम यहां पे दिया है, मोमेंटम होता है बच्चा मास इनटू वेलोसिटी एम वन एल वन टी माइनस वन, मेरे मुझे तो डायमेंशन सटा सटे निकलेंगे भाई, आप में से भी निकलेंगे थोड़े टाइम में ठीक है। चलिए तो मोमेंटम रख दिया एलवन एलवन हो गया बच्चा कैंसल, सो बेटा बीटा क्या हो जाएगा आपका पहला आंसर आएगा बीटा हो गया एम वन एल जीरो टी माइनस वन, देखो एक आंसर तो हमने निकाल लिया बीटा तो हमने फाइंड कर लिया ठीक है। चलिए अब निकालते अल्फा को, देखते अल्फा क्या आता है, ध्यान से देखिए ये टर्म तो डायमेंशन लेस है ना पूरा ई वाला, तो क्योंकि इसका जो भी आंसर है वो कुछ नंबर आएगा ई पावर का आंसर जो मैंने आपको अभी बताया है ना, तो ये तो पूरा टर्म डायमेंशन लेस है, इसको मारो गोली बचा ये टर्म, एक तरफ एनर्जी है एक तरफ ये है, अगर यहाँ पर बीच में इक्वल साइन है मतलब दोनों टर्म के डायमेंशन कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए, तभी इक्वल साइन आएगा ना यस और नो, हाँ करो चलो थम्स अप करो, जो कमेंट में थम्स अप करो अगर समझ आया तो। ये ई वाला टर्म डायमेंशन लेस है, वहां से अपने बीटा निकाल लिया, अब ई वाले को जाने दो साइड पे, अब ये एनर्जी और ये टर्म का डायमेंशन कैसा होगा सेम होगा, तो बच्चा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ दिस टर्म एफ अल्फा बाई बीटा स्क्वायर हैज टू बी सेम। चलो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, फोर्स होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, अल्फा हमें फाइंड करना है और बीटा ये रहा बच्चा, बीटा क्या है एम वन टी माइनस वन है, उसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, बाजू में लिख देता हूँ इसका सही आंसर क्या आएगा। सो बेटा आपका अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, देखिए ध्यान से है इसको सॉल्व करेंगे, ये एम वन कट यहाँ से ठीक है, टी माइनस टू भी कट हो जाएगा, यहाँ से एम टू ऊपर आएगा, नीचे से ये एम टू ऊपर आया, ये एल माइनस टू नीचे L माइनस टू ऊपर आएगा L2 को काट देगा, L माइनस टू ऊपर आएगा L2 को काट देगा, और ये L1 सामने आएगा तो क्या हो जाएगा L इनवर्स, T बचा है नहीं बचा है T जीरो, तो ये हो गया बेटा किसका डायमेंशन हो गया ये अल्फा का, समझे ना आप, M1 ऊपर आया
एल माइनस टू ऊपर आया, एल टू के साथ कैंसिल हो गया, ये एल वन सामने आया, एल माइनस वन और कुछ बचा नहीं है। ठीक है बच्चा, तो जब आप एमसीक्यूज लेके बैठोगे ना इस चैप्टर के, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। इसमें आपको कुछ इक्वेशन दिया होगा और बोला होगा कि भाई बताओ ये अननोन टर्म का डायमेंशन क्या है। तो आपको मैंने जो बताया आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि अगर आप दो टर्म को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों क्वांटिटी फिजिकली कैसी हो, सेम हो, राइट। और अगर कुछ साइन दिखे, कॉस दिखे, लॉग दिखे, कि नंबर का पावर दिखे, तो ये सब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। वहां से आपको एक अननोन मिल जाएगा। समझ आ गया आपको पहला एप्लीकेशन? सबको बच्चा लोग मजा आ रहा है पढ़ने का मेरे चैनल पे, है ना। देखिए ना, यूजुअली ऐसा है कि बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर ना बहुत सारे टीचरों की पूरी टोली होती है, पूरी मंडली होती है टीचरों की, दो चैप्टर ये पढ़ाता है, दो चैप्टर वो पढ़ाता है। भाई मैं तो वन मैन हूँ, मैं अकेला दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब भाई एज अ स्टूडेंट अगर आप तीन सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो एज अ टीचर इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद क्या हम दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते? ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इज डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए क्या दिया, एग्जाम्पल समझिए तो आपको ना क्लियर हो जाएगा ये। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब एक ऑब्जेक्ट जैसे ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, ओके, अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो ध्यान से, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन डिड्यूस रिलेशन अमॉन्ग देम। क्या कहा आपको, टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम में वो एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, यहां से चालू किया ऐसे आया वापस आ गया, दैट्स कॉल्ड वन टाइम पीरियड। ठीक है, सो एक ऑसिलेशन खत्म करने का जो उसका टाइम है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या कहा बच्चा, आपको कहा है कि जो टाइम पीरियड है उसका वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड टी, यही तो मेन लाइन आपके पास, डिपेंड्स ऑन किस किस टर्म पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डिपेंड्स ऑन विच टर्म्स आर द लेंथ एल, मास ऑफ बॉब एम, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है आपको, आपको किसका फॉर्मूला फाइंड करना है, टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड टी, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास एंड ग्रेविटी। तो जिन जिन पे ये डिपेंड कर रहा है ना बच्चों, उनका आपको पावर लगा देना। लेट्स से हमने पावर लगा दिया एक्स वाई जेड, ये जेड थ्री जैसा दिख रहा है, ज्यादा फैंसी हो गया, एक्स वाई एंड जेड, राइट। टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास एंड ग्रेविटी। तो हमने लेंथ जिन जिन पे डिपेंड करता है ना, उनके पावर लगा देना है, राइट। और यहां पे लिख देना है इक्वल टू, एंड साथ में एक कांस्टेंट लगा देना है के। ये के क्या है पता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन एनालिसिस में कोई जिक्र ही नहीं होता है, राइट। तो आपको हमेशा ये लेना होता है, दिस के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लिखना है आपको के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बेटा, दोनों तरफ आपको एमएलटी लगाना है। तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस है उसको जाने दो। लेंथ क्या हो जाएगा, एल वन कितना पावर एक्स, मास क्या हो जाएगा एम वन कितना पावर वाई, ग्रेविटी क्या होता है बच्चा एल वन टी माइनस टू कितना पावर जेड। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एल रेस टू एक्स, एम रेस टू वाई, एल रेस टू जेड, टी रेस टू माइनस टू जेड। ओके, रे हो गया आपका एम रेस टू वाई, एल रेस टू एक्स भी है, अब जेड भी है, दोनों को प्लस करेंगे पावर को, एक्स प्लस जेड, एंड टी रेस टू क्या है बच्चा, माइनस टू जेड। यहाँ पे क्या है बच्चा, एम जीरो एल जीरो टी वन। अब सिंपल सी बात है, अगर दोनों तरफ ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली सही है, तो दोनों तरफ डायमेंशन कैसे आने चाहिए, सेम। मतलब जो इधर एम एल टी का पावर है, इधर भी एम एल टी का पावर वही बनना चाहिए, वही करना है। क्या करना है, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स। चलो दोनों तरफ एम एल टी के पावर को इक्वलाइज करो,
तो इधर बच्चा m का पावर क्या है, जीरो, इधर m का पावर क्या है, वाई। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, जीरो इक्वल टू वाई। लो एक आंसर आ गया आपका, जीरो इक्वल टू वाई। दूसरा l का पावर है जीरो, इधर है x प्लस जेड, ठीक है, जीरो इक्वल टू x प्लस जेड। अभी हमारे पास x z दोनों नहीं है, कोई नहीं रहने, तो एज इट इज। t का पावर है वन, t का पावर है माइनस टू जेड, तो तीसरा हो गया वन इक्वल टू माइनस टू जेड। लो z आ गया आपके पास माइनस वन बाई टू, आ गया z का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, z का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस वन बाई टू। चलो z यहां पर रख दो, इतना है z का वैल्यू माइनस वन बाई टू सामने आ जाएगा, तो x क्या हो गया बच्चा वन बाई टू, समझे। तो दिया क्या था क्वेश्चन में, टाइम डिपेंड्स ऑन, जिन जिन पे डिपेंड करता है उसको राइट साइड पे लग के पावर लगा दो, आई बात समझ में आपको। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये एक्स वाई जेड के पावर यहां पे डाल दो ऊपर, आपको इक्वेशन मिल गया। देयरफॉर टाइम पीरियड टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इन टू एल रेस टू एक्स, एक्स क्या है हाफ, एम रेस टू वाई, वाई क्या आया है यहां पे पावर रखना है एक्स वाई जेड का, राइट, वाई क्या आया जीरो, एन ग्रेविटी रेस टू जेड, जेड का वैल्यू क्या है माइनस हाफ। चलो हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट, और ये नेगेटिव पावर है तो नीचे चला जाएगा, तो टी इक्वल टू के कैसे लिख सकते हैं, एल बाई जी दोनों का अंडर रूट, एम पावर जीरो तो निकाल ही दो, मतलब मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता वो। सो आपका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा, आपका फॉर्मूला हो गया टी इक्वल टू के इन टू हाफ पावर क्या होता है, अंडर रूट, दिस इज इट, दैट्स अ फॉर्मूला। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चा। यहाँ पे ना ये जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है ना, उसका वैल्यू आप एग्जाम में लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज डायमेंशन एनालिसिस में आपको ये कॉन्स्टेंट का कुछ आइडिया होता ही नहीं है। बट जब आप चैप्टर नंबर 6-7 पढ़ोगे ग्रेविटी, वहां पे आप ये फॉर्मूला वापस सीखने वाले हो, सिंपल पेंडुलम के लिए ऑसिलेशन का फॉर्मूला, उधर आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्स्टेंट और कुछ नहीं होता है, 2π होता है। इस चैप्टर के लिए कॉन्स्टेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप निकाल दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट सही फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ, 2π होता है कॉन्स्टेंट अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अरे साहब बुंदा, 2π कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, कहाँ से आया 2π बच्चा, 2π आया है एक्सपेरिमेंट से। तो वैसे भी कॉन्स्टेंट डायमेंशन एनालिसिस में कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। हाँ बेटा, इसका मैंने आपको एक और वेरिएशन बताता हूँ क्वेश्चन का, कि इसमें ना कैसा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे एक स्लाइड चाहिए उसके लिए, एक मिनट मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। इसका एक वेरिएशन है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब ऐसा कहा होगा कि सपोज लेट्स से आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि इफ फोर्स वेलोसिटी एंड थर्ड क्वांटिटी बोला ना, कुछ फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गया, एंड कुछ तो बताओ, फोर्स वेलोसिटी एंड कौन सा क्वांटिटी लेना है, बोला ना कोई मस्त क्वांटिटी, मोमेंटम बहुत क्लोज हो जाएगा फोर्स के, इफ द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम ले लेते हैं, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा हाँ, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, बोलो मास का डायमेंशन क्या होगा। तो बेटा हमारे लिए तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थे, MLT, मास लेंथ एंड टाइम था ना फंडामेंटल। बट इसमें क्या कहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से लेने हैं आपको, आपको फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, MLT नहीं लेना है आपको, फंडामेंटल कौन सा लेना है, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम लेना है, और आपको डायमेंशन फाइंड किसका करना है, मास का। कोई नहीं, तो जो जो फंडामेंटल आपको दिया है ना बच्चा, कौन कौन दिया आपको फंडामेंटल, आपको दिया है फंडामेंटल में फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, आपको डायमेंशन फाइंड किसका करना है, मास का। तो मास को ले लो लेफ्ट साइड पे इक्वल लगा के, इसको जो जो फंडामेंटल है ना उनको पावर लगा दो, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला में करना ही क्या होता है, वो पावर ही निकालना होता है ना, जो भी बेस क्वांटिटी होंगे उनके पावर फाइंड करना है, दैट्स कॉल्ड डायमेंशन। तो इसमें कौन से बेस क्वांटिटी दिया आपको, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, तो फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम को राइट साइड पे लेके उनके पावर लगा दो एक्स वाई जेड, और जिसका डायमेंशन फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, मास का। तो मास को आप ले लो लेफ्ट साइड पे, अब क्या करेंगे दोनों तरफ बच्चा, MLT। चल मास का डायमेंशन क्या होता है, M1, L0, T0,
फोर्स क्या होता है m1 l1 t-2, वेलोसिटी क्या होता है l1 t-1, एंड टाइम क्या होता है t1। तो ये हो गया m^x, l^x, t^-2x, l^y, t^-2y, t^z। चलो टोटल पावर m का कितना हो जाएगा, x ही रहेगा, l का पावर x प्लस y, t का पावर -2x -2y प्लस z। चलिए दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चा, इधर भी mLT के पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पे m का पावर है 1, इधर m का पावर है x, देखो पहला आंसर आ गया x = 1। इधर l का पावर है 0, इधर l का पावर है x प्लस y, उसमें x की वैल्यू पहले से पता है 1 है, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। लो कितना अच्छा लग रहा है ना, फटाफट आंसर आ रहा है। चलो यहाँ पे t का पावर है z, इधर जो t का पावर है कंपेयर करो, t का पावर 0 है, इधर है -2x -2y प्लस z, समझ आ रही है बात आपको। चलो x y का वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू आया है 1, y का वैल्यू आया है -1 प्लस z, तो ये हो गया -2 प्लस 2 प्लस z। अच्छा नहीं लगा मुझे, z क्या आ गया 0 आ गया। Understood? Z का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 0 आ गया। ओके तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, Z सच में 0 आएगा क्या, चेक करो देखो बेटा, चेक करो। तो गड़बड़ हुई है, एक कॉल आ रहा है, बाद में बात करेंगे। एक जगह गड़बड़ हुई बेटा, बताओ। चलो कहां पे गड़बड़ हुई, मुझे पता है मेरा आंसर गलत है। यहां पे मैंने ब्रैकेट ओपन करा ना, वाई एल पावर वाई एंड टी पावर माइनस वाई आना चाहिए था ना। टी पावर क्या आना था बेटा, माइनस वाई आना था ना, अब सही है। चलो तो यहाँ पे क्या था आपका, माइनस वाई, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस वन। तो बच्चा जेड का वैल्यू कितना आ गया, प्लस वन आया ना, ये माइनस वन हो बच्चा सामने आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या हो गया, प्लस वन। चलो तो ये एक्स वाई जेड उठा के इसमें रख देते हैं, तो आपका आंसर आ गया। हैंस अब मास को लिख सकते हो बेटा, फोर्स पावर एक्स, एक्स कितना आया 1, स्पीड पावर वाई, वाई क्या आया -1, एंड टी पावर जेड, जेड क्या आया 1। तो ये हो गया बेटा डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है बच्चा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में तो नहीं दिए, बट आप जब एमसीक्यूज लेके बैठोगे ना इस चैप्टर के, सो आई एम डैम श्योर ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन दिखेंगे कि अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको राइट साइड पे लेके फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी के पावर लगा दो, जिसका डायमेंशन फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड पे लेके दोनों तरफ एमएलटी इक्वेशन लगा के पावर सेम कर लो, आंसर बन जाएगा। अरे ये बात समझ में। चले बच्चा अब डायमेंशन एनालिसिस का एक लास्ट एप्लीकेशन और फिर उसके एक दो लिमिटेशन देखेंगे हम, ठीक है, एंड देन दिस लेक्चर विल बी ओवर। लास्ट इज चेंज यूनिट सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। चलिए अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम, इन SI पता है ना स्टैंडर्ड सिस्टम, इन SI यूनिट सिस्टम इज इक्वल टू हाउ मैनी यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। चलो ऐसा आपको क्वेश्चन आ रहा है अगर, मतलब SI सिस्टम में जो फोर्स का एक यूनिट होगा ना, एक यूनिट मतलब एक न्यूटन, SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चा, SI सिस्टम फोर्स का यूनिट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है वो न्यूटन, और CGS में फोर्स के यूनिट को कहा जाता है डाइन। सो इन शॉर्ट आपको रिलेशन निकालना है कि न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब भी आपको यूनिट सिस्टम चेंज करना होना तो एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र छोड़ देना, विच इज n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 इस सिस्टम में कितना वैल्यू है, एक, n2 यहां पे हमें वैल्यू फाइंड करना है, u1 u2 क्या है बेटा, तो u1 u2 की जगह ना आपको डायमेंशन रखने हैं किसके, फोर्स के। क्या डायमेंशन है फोर्स का, m1 l1 t-2। ये कौन सा सिस्टम है, ऐसा ही है, इस तरफ भी फोर्स का डायमेंशन रखो m1
L1 T-2, ये कौन सा सिस्टम है? CGS है। दिस कैन बी एनी सिस्टम। में इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें एक बल्टा साइज सिस्टम दिया होगा, राइट, और हम फाइंड करेंगे किस तरह से उसका आंसर आएगा वो, है ना। चलो समझ आया बेटा आपको फॉर्मूला क्या है? N1U1 इक्वल टू N2U2, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स आपको दिए है उसका आप MLT का इक्वेशन लगा दो। चलो आप वैल्यू डालने हैं, तो M क्या होता है? मास। और स्टैंडर्ड सिस्टम का मास किस में होता है बच्चा? KG में। कितना पावर? KG का 1 पावर। स्टैंडर्ड सिस्टम का लेंथ किस में होता है? मीटर में। कितना पावर है? 1 पावर। स्टैंडर्ड सिस्टम का टाइम किस में होता है? सेकंड में। कितना पावर है? -2 पावर। हो गया, MLT रख दिया, मास लेंथ एंड टाइम। चलो इस तरफ आ जाओ। अब इस सिस्टम में मास किस में होगा? CGS में, ग्राम में। कितना पावर है? ग्राम का 1 पावर। CGS सिस्टम का लेंथ किस में होता है? सेंटीमीटर में, दैट इज CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। कितना पावर? 1 पावर। एंड इस सिस्टम का टाइम, टाइम किस में होगा? सेकंड में ही होगा CGS में, तो कितना पावर है यहाँ पे? -2। चलो दोनों तरफ इसको अब सिंप्लीफाई करो बेटा। 1 किलो क्या होता है? किलो इज 10 पावर 3 ग्राम। कितना पावर है उसका? 1 पावर। यहाँ पे कोई प्रेफिक्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रेफिक्स नहीं है। N2 यहाँ पे कोई प्रेफिक्स नहीं है, यहाँ पे सेंटी है। सेंटी क्या होती है? 10 पावर -2 मीटर। कितना पावर है उसका? 1 पावर। सेंटीमीटर का 1 पावर है, सेंटी इज 10 पावर -2। लेक्चर नंबर 1 में आपने सारे प्रेफिक्सेस सीखे थे। एंड सेकंड का क्या पावर? -2 पावर। अब आप दोनों तरफ से पावर ये यूनिट को उड़ा दो। ग्राम पावर 1 मीटर पावर 1 सेकंड पावर -2 बचा क्या? 1 × 10³ का 1 पावर, मतलब 10³। N2 × 10⁻², दैट इज 10⁻²। 10⁻², सामने आ जाएगा तो N2 क्या हो जाएगा? 10³ + 2, 10⁵। बेटा आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया कि 1 न्यूटन। ऐसा ही सिस्टम में यहां पे कितना हो जाएगा? 10⁵ डाइन CGS में। तो ये आपका आंसर निकल चुका है 10⁵, राइट। चलिए अब मैं आपको एक विचित्र क्वेश्चन बताता हूं। और विचित्र क्वेश्चन ये है कि ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 जूल? माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 जूल इन अ सिस्टम हैविंग यूनिट एज लेट अस से 10 किलोमीटर, देन 1 मिलीग्राम एंड लेट से 1 मिनट। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत दिखेंगे। देखो मेरे को अगर खाली NCERT कराना होता ना तो ये डायमेंशन का एप्लीकेशन तो 20 मिनट में हो जाता। NCERT में इसके कुछ क्वेश्चन दिए ही नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे ना पूरा पिटारा पड़ा हुआ है, सालों से क्वेश्चन कराते आ रहे हैं ना, है ना, तो पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए चले, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 जूल है आपके पास। जूल आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है जूल, ठीक है। और आपको राइट साइड पे देखो तो आपको जो नया सिस्टम दिया है ना उसमें कुछ बल्टा ही दिया है, जिसमें आपको मास का यूनिट क्या लेना है? 1 मास का यूनिट है 1 मिलीग्राम, लेंथ का यूनिट है 10 किलोमीटर एंड टाइम का यूनिट है 1 मिनट। तो अब इस सिस्टम में 1 जूल कितना हो जाएगा? डरने का नहीं, यूनिट सिस्टम चेंज करना है ना, कुछ नया यूनिट सिस्टम दिया है ना, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है बच्चा आपको कि अगर यूनिट सिस्टम चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? N1U1 इक्वल टू N2U2। चले पहला सिस्टम में वैल्यू क्या है? 1। और कौन सा सिस्टम है? ये जूल है। यहाँ पे N2 × U2 हमें दिया हुआ है। चलो जूल किसका जूल क्या है बेटा? एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन लगा दो। कौन सा डायमेंशन? M1 L2 T-2 क्या हो गया? ये एनर्जी। कौन सा सिस्टम है? जूल है, राइट। जूल मतलब आपका कौन सा सिस्टम हो गया? SI हो गया। स्टैंडर्ड सिस्टम में जूल होता है, राइट, SI सिस्टम में, है ना। माइक चल रही है ना, बस चलनी चाहिए माइक, अभी कभी ये माइक दगा दे देती है मुझे। N2 × चलो नए सिस्टम में भी यहाँ पे क्या रखेंगे? M1 L2 T-2 और ये आपका नया यूनिट सिस्टम जो उधर दिया हुआ है। अब वैल्यू डालो, चलो 1 × स्टैंडर्ड सिस्टम का मास किस में होता है? केजी। कितना पावर? 1। स्टैंडर्ड सिस्टम का लेंथ किस में होता है? मीटर। कितना पावर है मीटर का बच्चा? 2 पावर 1। एंड स्टैंडर्ड सिस्टम का टाइम होता है सेकंड में। सेकंड का कितना पावर है बच्चा? -2 पावर, दैट इज इक्वल टू N2 × चलो अब इस तरफ आ जाओ नए सिस्टम में। हाँ
तो बेटा नए सिस्टम का मास क्या दिया, देखो मास का यूनिट कितना है नए सिस्टम में, 1 मिलीग्राम है। हाँ, तो यहाँ क्या ले लेंगे, 1, ये तो मेगा हो गया। ऐसे 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम कितना पावर है बेटा मास का, 1 पावर। पावर मत भूलना रखना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। लेंथ किस में रखना है, 10 किलोमीटर, ठीक है यहाँ पे रखो 10 किलोमीटर। बच्चा लेंथ का कितना पावर है, 2 पावर है, तो यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको, मैं खाली यूनिट सिस्टम चेंज कर रहा हूँ, जो मुझे यूनिट दिए है ना वो मैं MLT में जाके रख रहा हूँ। मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी का अपने को डायमेंशन या यूनिट चेंज करना है उसका डायमेंशन क्या है, राइट। तो एनर्जी करना है ना, एनर्जी है m1 l2 t-2, तो मैं दोनों तरफ MLT लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो इस तरफ टाइम की जगह क्या रखना है, 1 मिनट। कितना पावर रखना है उसका, -2 पावर। ओके चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 1 into किलो क्या होता है, 10^3 ग्राम kg है। मीटर का कुछ भी नहीं है आगे, सेकंड के आगे भी कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल टू n2 into चलो मिली क्या होता है, मिली होता है 10^-3 ग्राम, कितना पावर है उसका, 1 पावर। ये 10 किलो क्या होता है, 10^3 मीटर, क्या करना है उसका स्क्वायर। मिनट क्या होता है, ये -2 पावर है मतलब नीचे जाएगा, तो 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड, क्या करना है उसका आपको, स्क्वायर करना है। मैंने मिनट इन्वर्स था ना, -2 पावर है तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है बच्चा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। चलो नाउ लेट्स सिंपलीफाई दिस, ये हो जाएगा 10^3, ये तो 1 ही आगे, 10^3 ग्राम पावर 1, मीटर स्क्वायर सेकंड -2, एन टू 10^-3 ग्राम पावर 1, ये हो गया 10^4 का स्क्वायर, 10^8 मीटर स्क्वायर, और ये 60 का स्क्वायर है नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3600, और नीचे सेकंड स्क्वायर उसको आप ऊपर लेके क्या कर दो, सेकंड -2, सेकंड स्क्वायर होगा ना ऊपर आ गया, सेकंड -2, 1/60 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3600। चलिए अब ये ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, देखो ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड उड़ गया, अब के पास खाली नंबर बचे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर है 10^3 इक्वल टू n2 into ये हो जाएगा 10^8-3, 10^5, और नीचे बचा बचा बेटा आपके पास 3600। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 इक्वल टू 10^3 into 3600 डिवाइड बाई 10^5। आप देखिए ध्यान से, ये 10^3, 10^4, 10^5, 10^5 कैंसल, समझे, 10^3, 4, 5, 10^5 कैंसल हो गया, बचा गया यहाँ पे ओनली 36। मतलब बच्चा नए सिस्टम में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा। मतलब नए सिस्टम में जो आपका 1 जूल है ना, 1 जूल हो जाएगा नए सिस्टम का 36 यूनिट्स इन गिवन सिस्टम। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि नए का 1 यूनिट इस तरफ कितने जूल होगा, मतलब इसका 1 वैल्यू इस तरफ कितना होगा, तो आपका आंसर इधर 36 आया है ना, तो 36 नीचे डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ का 1 यूनिट जूल में क्या हो जाएगा, 1/36 जूल हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो 1 यूनिट है ना, इस तरफ का 1 यूनिट नए सिस्टम का, वो जूल में क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे जब एग्जाम में पूछे होंगे, तो समझ आया बेटा क्वेश्चन। तो जब भी आपको कुछ बलता बलता यूनिट सिस्टम दिखे, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n1 u1 = n2 u2, U1 U2 की जगह क्या रखेंगे, MLT रखेंगे, और जो यूनिट सिस्टम का वो यूनिट है उसके MLT डाल दो, मास लेंथ और टाइम के यूनिट्स। दूसरी तरफ भी जो नए सिस्टम के यूनिट दिए हैं मास लेंथ और टाइम के, वो रख के आराम से पावर लगा के इसको सॉल्व करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। समझ आया बच्चा आप सबको, ओके चलिए नाउ टू द लास्ट वन, छोटी सी थियरी है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सबसे बड़ा लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस में जो आगे कांस्टेंट होते हैं ना उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, एंड दैट्स द लिमिटेशन ऑफ इट। चेकआउट, डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बट हाउएवर डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। मतलब जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, K = 1/2 mv², उसमें आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, K = (mass)^1 and v², आपने आगे किया ना कि K डिपेंड, ये डिपेंड ऑन दिस दिस क्वांटिटी, उसको आप पावर लगा के सॉल्व करोगे आपको ये मिल जाएगा, बट आपको ये नहीं मिलने वाला। इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है, समझे ना आप। आपको कॉन्स्टेंट, आपने आगे टाइम पीरियड का भी इक्वेशन बनाया, उसमें 2π मैंने अपने एंड से जोड़कर बोला था कि आप 7th चैप्टर में आप सीखोगे इसके बारे में, है ना। सेकंड, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी।
बट एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इन एनी इक्वेशन यू कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे मैंने कहा था कि एक वापस इक्वेशन k इक्वल टू 1 बाई 8 एम वी स्क्वायर, ये भी कैसा है डायमेंशनली तो करेक्ट ही निकलने वाला है। ये भी कैसा है बच्चा डायमेंशनली तो करेक्ट ही है, डायमेंशनली तो इसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बट वी नो दैट बट इट इज फिजिकली इनकरेक्ट, राइट। लास्ट वन, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। अब ये समझना है, अगर मैं आपको डायमेंशन दूं ना बच्चा m1 l2 t-2, तो तुम बोलोगे कि सर 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 ये डायमेंशन है एनर्जी का, राइट। मैं कहूंगा कि ये डायमेंशन है वर्क का, और कोई और बच्चा कहेगा सर ये डायमेंशन है टॉर्क का। मतलब एक ही डायमेंशन तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के आ रहे हैं, तो डायमेंशन एनालिसिस ऐसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है जिनके डायमेंशन सेम हो। आप आगे देखोगे कि m1 l-1 t-2 प्रेशर का होता है, फिर वही यंग मॉड्यूलस का होता है, वही स्ट्रेस का होता है। डायमेंशन के लिए तो सारी क्वांटिटी सेम होगी, बट एक्चुअल में ये क्वांटिटीज बहुत एक दूसरे से अलग अलग होती है। आई बेटा बात समझ में आपको? सो बच्चा ये हो गया आपका तीन एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, एंड आई होप कि आपको चैप्टर में मजा आ रहा है, राइट। और आपको सब कुछ समझ भी आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करिएगा, मैं जितना बने उतना जल्दी आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चा, चलिए। मेरा टारगेट यही है कि मैं जितना दिल से और जितना अच्छे से और जितना डिटेल में मेरे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उतना ही डिटेल में मैं आप सबको भी पढ़ाऊँ, राइट। ओके, बस आपकी तरफ से थोड़ी मदद चाहिए, मॉनेटरी मदद नहीं चाहिए, पैसा बहुत दे के रखा है भगवान ने। बस आप ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने स्कूल में या कोचिंग में चीज़ें समझ में नहीं आती है, और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ ढूंढते हैं, अच्छे क्रिएटर्स के वीडियो, अच्छे टीचर्स के वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इफ़ यू थिंक कि मैं एक अच्छा टीचर हूं, आपको मैंने अच्छे से लेक्चर कराया है, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कर दीजिए। ओके बच्चा, और यस, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत नॉमिनल प्राइस में, खाली 199 रुपीज़ में आपको पूरे साल ये मैं जो नोट्स बना रहा हूँ वो आपको लेक्चर वाइज में दे रहा हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है। अब आपको क्योंकि सर अभी अभी आपने ऐसा कहा कि पैसे बहुत है, पैसे की कमी नहीं, और अभी अभी 199 रुपीज़ मांग रहे हो, देख बेटा ये इसलिए ना क्योंकि फ्री की चीज़ों की ना वैल्यू नहीं होती है। ये 199 रुपीज़ जो है ना वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, राइट। बट द थिंग इज कि अगर मैं आपको वो नोट्स कम्प्लीटली फ्री में दूंगा ना तो आपके लिए उसका वैल्यू कम हो जाएगा, आपके लिए उसका वैल्यू नहीं रहेगा। बट अगर आप 199 रुपीज़ पे करोगे ना तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि यार इसके लिए पेमेंट किया है, इस नोट्स को यूज़ करना पड़ेगा, पैसा भरा इसका, तो इसीलिए मैं आपके पास इस छोटा सा अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। ओके, चलिए बच्चों, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू किया था, और ये आज उसका आखिरी लेक्चर है, राइट। और ये लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। अब ये दोनों टॉपिक आपको एनसीईआरटी में थियरी में नहीं मिलेगा, बट एक्सरसाइज में इसके एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और अगर आप जेई और नीट के पेपर देखोगे तो उसमें वर्नियर और स्क्रू गेज का क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ओके, चलिए बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द वर्नियर कैलिपर। ओके, सो अगर आप नॉर्मल मीटर स्केल की बात करोगे जो आपके पास है आपके कंपास में, सो नॉर्मल मीटर स्केल में हम 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करके मेजरमेंट लेते हैं। मतलब नॉर्मल मीटर स्केल में जो एक मार्क है वो कितना है आपका, 1 मिलीमीटर का है। कितना है? 1 मिलीमीटर का। मतलब यूजुअल मीटर स्केल का एक्यूरेसी क्या होता है बच्चा? 1 मिलीमीटर होता है। अब अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, और उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम यूज करते हैं स्क्रू गेज। चलिए वर्नियर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझिए, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो बच्चा वर्नियर में 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, तो ये है मेन स्केल, और एक जॉ इस तरह से मेन स्केल के ऊपर होता है, दिस इज कॉल्ड जॉ, राइट। तो ये एक जॉ इस तरह से फिक्स होता है जो मेन स्केल के ऊपर है, और यहां पर बच्चा आपका ये स्केल है, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, राइट। यहां पर मार्किंग 1 mm के हो सकते हैं, 0.5 mm के हो सकते हैं, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चा? इसे हम कहेंगे मेन स्केल, ठीक है।
अब बच्चा जिसका दूसरा स्केल होता है ना, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल और सेकेंडरी स्केल और स्लाइडिंग स्केल, राइट, जो इसके ऊपर होता है इस तरह से, राइट, दिस इज हाउ द सेकेंडरी स्केल इज। तो ये इस तरह से होता है बच्चा आपका सेकेंडरी स्केल, और जो दूसरा जॉ है ना इसका, वो दूसरा जॉ कहां पे होता है बच्चा, सेकेंडरी स्केल के ऊपर होता है। मैं ये लाइन को निकाल दूं, फिर वापस ड्रॉ कर लूंगा। ओके चलो, तो ये हो गया आपका बच्चा सेकेंडरी स्केल, जो प्राइमरी स्केल के ऊपर क्या करने वाला है, स्लाइड करने वाला है, एंड जॉ किस तरह से दिखेगा आपको, तो इसका जॉ आपको ऐसे दिखेगा। डिजाइन ज्यादा बॉर्डर नहीं करता है वैसे भी, यहां पे आपको ना कंसेप्ट समझना है किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इसके दो जॉ, राइट। अब आपको जो भी मेजरमेंट करना है ना, वो आपको इसके बीच में रख देना है, और आपको स्केल फिर मेजर करना है, राइट। ये आपका प्राइमरी स्केल है, राइट। ये व्हाइट वाला स्केल क्या है बच्चा, ये है आपका वर्नियर स्केल कह लो इसको, या सेकेंडरी स्केल कह लो। अब इसके ऊपर भी अपने खुद के मार्किंग होते हैं, राइट। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मार्किंग करे होते हैं, लाइक दिस। ओके, सो हमें क्या करना है, जो भी मेजरमेंट लेना है वो इसके बीच में रखेंगे, स्लाइडिंग स्केल को स्लाइड करके टच कराएंगे। सपोज हमें एक वायर का डायमीटर मेजर करना है, तो वो वायर को हम इस तरह से बीच में रख देंगे, राइट। अभी दोनों जॉ को टच कराएंगे और फिर हम रीडिंग करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट है बेटा इसका के एलसीएम क्या है, राइट, और मेजरमेंट कैसे लेना है, समझिएगा ध्यान से, और एरर क्या है, तीन चीज आपको समझनी है। सबसे पहला आपको समझना है बच्चा एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट काउंट मेजर, जिसको हम एक्यूरेसी भी कह सकते हैं। हमने कहा ना नॉर्मल मीटर स्केल में क्या एक्यूरेसी है बच्चा, 1 mm का। अब इसमें देखते हैं कितना एक्यूरेसी बनता है, राइट। ओके, तो इसका एक्यूरेसी का फॉर्मूला है बच्चा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। व्हाट इज मेन स्केल डिवीजन, तो बच्चा मेन स्केल पे ये जो एक मार्क है ना आपका, इतना, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 1 मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर का ये जो एक मार्क है ना, इतना आपको जो भी दिख रहा है वर्नियर का एक मार्क, दिस इज योर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एलसीएम। अब ये एलसीएम किस तरह से हमें मेजर करना होता है, क्या डेटा हमें दिया होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो यूजुअली क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से बच्चा, सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज, लेट अस से 1 mm, राइट, एंड आपको दिया हुआ है कि 10 मार्क्स ऑन वर्नियर स्केल, 10 मार्क्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ, लेट अस से 9 मार्क्स ऑन मेन स्केल या डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये आपको डेटा दिया और आपको पूछा है बोलो एलसीएम क्या होगा, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन इसमें देखने मिलेंगे हमेशा, राइट। इसी तरह से आपको डेटा दिया हो, 10 मार्क विद 9 मार्क या 20 मार्क्स विद 19 मार्क्स, इस तरह से आपको डेटा दिया होता है। अब बेटा हमें पता है कि वर्नियर का एलसीएम क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यस और नो, obviously yes, right? तो बेटा मेन स्केल डिवीजन तो आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, 1 mm का। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है। तो यहां पे हिंट में क्या दिया, यहां पे हिंट में दे दिया 10 मार्क्स ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ 9 मार्क्स ऑन मेन स्केल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये रहा ना, इधर लिखा है ना 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड मतलब इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। सो हमने सिंपली क्या लिख दिया, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चा यहां पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। चलो एक मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है बच्चा आपको, 1 mm का, तो ये हो गया आपका 9/10 इंटू 1 mm। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया 0.9 mm। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। चलो मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है बच्चा आपको, 1 mm, और वर्नियर डिवीजन कितना फाइंड करा आपने, 0.9 mm। तो इस इंस्ट्रूमेंट का एलसीएम क्या है बच्चा, 1.1 mm है।
ये जो भी आपको डेटा दिया है उस डेटा से आपको एलसीएम कितना मिल रहा है बच्चा, 0.1 mm। देखो नॉर्मल मीटर स्केल में 1 mm था, यहां पे आपने 1 mm के भी 10 टुकड़े किए और एलसीएम कितना आ रहा है, 0.1 mm आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि स्केल कैसे मेजर करना है। ओके, तो आपका जो रीडिंग होता है बच्चा, जो आपका फाइनल आंसर होता है ना, दैट इज द मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन, और यू राइट मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग राइट प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और जो भी बच्चा आपका वर्नियर का रीडिंग आता है इन सौ इंटू आपको क्या करना है एलसीएम करना है। क्या करना है, जो भी वर्नियर का रीडिंग आता है उसके साथ आपको क्या करना है बच्चा, एलसीएम करना है। तो जो मेन स्केल रीडिंग होगा वो आपको यहां से पता चलेगा और जो वर्नियर रीडिंग होगा वो आपको यहां से पता चलेगा और जो भी वर्नियर का रीडिंग आता है वो आपको क्या करना है, इंटू कर देना है। किसके साथ, एलसीएम के साथ राइट। अब इसमें एरर भी आता है, चलिए एरर बाद में देखते हैं, पहले ना स्केल रीड करना समझते हैं, स्केल कैसे रीड करना है तो मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा सपोज ये आपका मेन स्केल है इस तरह से और ये सपोज आपका वर्नियर स्केल है। सपोज मेन स्केल में आपके रीडिंग इस तरह से चल रहा है, अभी थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा इसको तो ये आपको क्लियर पता चलेगा। हाँ बच्चा कितने मार्क हुए, अभी तो फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूं बच्चे। ठीक है, चलो सपोज ये वन ईयर का मार्किंग हो जिस तरह से है, चलना भाई यहां थोड़ा प्रॉब्लम है, गायब हो जाता है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, बने रहिएगा बच्चा लोग, ये स्केल बनाना जरूरी है तो आपको स्केल ही तो रीड करना सिखा रहा हूं मैं अभी, तो पहले स्केल बना तो लूं। इसमें ना थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रेस होता है ना तो इसको लगता है कंप्यूटर को कि कुछ और डेटा चाहिए, कुछ और कमांड दे रहे हैं सर, इसलिए है प्रॉब्लम है पीपीटी में। अगले से ये आपका सेकेंडरी स्केल है, ठीक है, हमको मेजरमेंट लेना है कि मेजरमेंट क्या है। मैं आपको नंबर बता देता हूं सारे, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज ये 10 डिजिट है आपका राइट, ये आपका 10 है ये वाला मार्क, ठीक है, ये वाला मार्क आपका 10 है, ये 11 12 13 14 15 है सपोज ये, देन 16 17 एंड सो ऑन राइट। और यहां पर जो वर्नियर स्केल दिख रहा है नीचे आपको, लेट्स से ये उसका 0 है राइट, ये 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 एंड देन आगे जाएगा 10 एंड देन इट गोज ऑन लाइक दिस। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, आपका मेन स्केल का रीडिंग क्या, मैं आपको बता देता हूं। तो आपका वर्नियर का 0 कहां पे रुका है, उसके आगे कौन सा मार्क है, वो आपका मेन स्केल का रीडिंग है। अब ये स्लाइडिंग स्केल है आपका, जब इसको आप स्लाइड करोगे ऑब्वियसली आगे पीछे जाएगा राइट, तो ये स्केल के आगे जो मार्क है ना मेन स्केल का, वो आपका मेन स्केल रीडिंग है। यू गॉट इट व्हाट आई सेड राइट, तो यहां पे कौन सा मार्क है आपका, ये वाला मार्क है कि नहीं बच्चा, देखो तो ये वाला मार्क वर्नियर के 0 के आगे जो मार्क है दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग, तो ये है आपका मेन स्केल रीडिंग, दिस इज मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर के रीडिंग में क्या करना है पता है, आपको देखना है कि वर्नियर का कौन सा मार्क मेन स्केल के मार्क के साथ एग्जैक्टली टच कर रहा है या मैच कर रहा है, एग्जैक्टली कौन सा मैच कर रहा है। देखो तो 0 तो एग्जैक्टली ऊपर मैच नहीं कर रहा है, 1 भी नहीं कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, बट फोर्थ मार्क देखो बच्चा, आप देखो ये रहा आपका फोर्थ मार्क, एग्जैक्टली ऊपर नीचे कोइंसाइड कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो वर्नियर का रीडिंग कौन सा हो गया बच्चा, फोर्थ मार्क हो गया, कौन सा हो गया वर्नियर का रीडिंग, फोर्थ मार्क हो गया। अब आपको क्वेश्चन में या तो स्केल बना के दे सकते हैं या तो फिर आपको क्वेश्चन में डेटा दे सकते हैं कि भाई इतने नंबर का मार्क वर्नियर का मैच कर रहा है, तो जो मार्क मैच कर रहा है वही क्या है आपका, वर्नियर का रीडिंग है। तो बेटा इसमें वर्नियर का रीडिंग क्या है, फोर्थ मार्क, तो ये जो है ना 4, दिस इज दी, दिख रहा है क्लियरली, हाँ दिस इज दी वर्नियर रीडिंग, क्लियर, दिस इज दी वर्नियर रीडिंग,
चलो बेटा, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा इसमें, जो भी आपका मेजर्ड वैल्यू है इस क्वेश्चन में, जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो क्या होगा, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, राइट। सो यहां पे आपका जो फाइनल रीडिंग होगा ना, या फाइनल जो आंसर होगा आपका, दैट फाइनल आंसर इज इक्वल टू, बोलो मेन स्केल का रीडिंग क्या है, 11 नंबर, ये 10 के बाद क्या होगा, 11 होगा ना, तो मेन स्केल का रीडिंग क्या है आपका, 11 है, राइट। और मेन स्केल में एक मार्क कितने का है, 1 mm का है, वी आर कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन, मेन स्केल में एक मार्क कितने का है, 1 mm का है, राइट। तो मेन स्केल का रीडिंग क्या हो गया बच्चा, 11 नंबर का मार्क मतलब 11 mm प्लस, चलिए वर्नियर का कौन सा मार्क मैच हो रहा है बच्चा, ऊपर चौथा मार्क मैच हो रहा है, उसके साथ इंटू क्या करना है आपको, एलसीएम, चलो क्या था क्वेश्चन में, एलसीएम 0.1 mm, तो बच्चे की रीडिंग हो गया आपका 11.4 mm, क्या हो गया ये एग्जैक्ट रीडिंग, यहां पे दिस रीडिंग इज 11.4 mm, कितना रीडिंग हो गया ये 11.4 mm रीडिंग हो गया। आज आपको समझने स्केल कैसे मेजर करना है, राइट। तो जीरो वर्नियर के जीरो के आगे जो मेन स्केल का डिवीजन है वो मेन स्केल रीडिंग, और वर्नियर का जो मार्क ऊपर मैच हो रहा है एग्जैक्टली, वो आपका वर्नियर रीडिंग, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, एलसीएम, क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर उसके साथ, एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ना कई बार वर्नियर में एरर होता है, क्योंकि आप जब वर्नियर यूज कर रहे हो, आपके पहले भी कोई उसको यूज करके गया होगा, राइट। वो लोग क्या करते हैं ना, वर्नियर को बहुत रफली हैंडल करते हैं, इससे क्या होता है वर्नियर के जो अलाइनमेंट होते हैं ना स्केल के, वो खराब हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब आप रीडिंग नहीं ले रहे हो, कुछ भी आपने बीच में नहीं रखा है, और आप डायरेक्टली जब जॉ को टच कराते हो, राइट, तो रूल क्या कहता है कि इस जीरो के साथ ये जीरो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए ऊपर नीचे, बट जब स्केल में एरर होता है ना, तो ये जीरो वर्नियर का जीरो या तो आगे रहेगा या तो पीछे रहेगा, मतलब उन दोनों केसेस के अंदर देयर इज एन एरर इन इंस्ट्रूमेंट, राइट। कितना एरर है, क्या एरर है, मैं आपको बताता हूं, चलो, तो लेट्स टॉक अबाउट द एरर इन वर्नियर। ये लेक्चर के बाद आपको वर्नियर या स्क्रू गेज कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, आई प्रॉमिस यू दैट। चलो एरर इन वर्नियर, ओके, तो बेटा दो तरह के एरर है, एक है पॉजिटिव एरर, एक है नेगेटिव एरर। चलो अब पॉजिटिव एरर का मतलब है बेटा जीरो ऑफ वर्नियर, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, राइट। कैसे दिखेगा ये मैं आपको बताता हूं, चलिए सपोज दिस इज द वर्नियर स्केल, ये वर्नियर का जीरो है, राइट। यहां पे कुछ मार्किंग लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 वॉट एवर, राइट। चलो मेन स्केल का जीरो ना, वर्नियर का जीरो आगे है, मतलब मेन स्केल आपका कुछ इस तरह से है, लेट्स इट इज लाइक दिस, एक सेकंड ना, ये थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया है स्केल, इसलिए थोड़ा फिर ना मजा नहीं आएगा ड्रॉ करने में इसको। चल बेटा, मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेके आ सकता था आपके लिए, हाँ, बट आई थॉट कि आपके सामने स्केल ड्रॉ करता हूं, आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर रहेंगे, राइट, दिस इज व्हाट आई थॉट। तो इसकी बहुत मगज मारी है, मस्त बना ना, देखा, सबर सबर चाहिए, सबर हो तो सब हो जाता है। चलो अब देखिए आप, राइट, अब इस एरर को समझिए बच्चा, ये आपका मेन स्केल का जीरो है, ये जो है ना ये मेन स्केल का जीरो है, और ये वर्नियर स्केल का जीरो है, आपको दिख रहा है वर्नियर का जीरो आगे है, वर्नियर का जीरो कहां पर है, आगे है, आगे मतलब वर्नियर का जीरो राइट साइड पे है, तो ये एरर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है बच्चा, राइट। कितना एरर है वो देखते हैं, तो आप देखिए कौन सा मार्क कोइंसाइड हो रहा है ऊपर नीचे, तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 नंबर एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच हो रहा है, देखिए ये रहा, दिखा आपको कौन सा मार्क एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच हो रहा है, थर्ड मार्क, हाँ, सीट वन मोर टाइम, मैं इतना डार्क नहीं करता हूं इसको, लेट्स कीप इट लाइक दिस, ओके। सो आप देखिए थर्ड नंबर का मार्क एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच हो रहा है,
और जीरो कहां पर है, वर्नियर का जीरो आगे है, मतलब एरर कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। तो ये एरर आपका हो जाएगा बच्चा, एरर इज इक्वल टू, चलो मेन स्केल का रीडिंग क्या है, तो ये जीरो के आगे क्या है, जीरो है। एरर में भी दोनों रीडिंग आते हैं, मेन स्केल भी आता है, वर्नियर भी आता है, ये ध्यान रखना, इतना डिटेल आपको कोई नहीं कराएगा, राइट। तो एरर आ जाएगा आपका अगेन यहां पे मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर के साथ हमेशा क्या होता है, इनटू एलसीएम। चलो मेन स्केल का रीडिंग क्या है बच्चा, 0 mm मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर का कौन सा मार्क मैच हो रहा है, थर्ड मार्क, और एलसीएम क्या था, 0.1 mm। तो यहां पे एरर क्या है बच्चा, यहां पे एरर है 0.3 mm पॉजिटिव में, राइट। क्यों पॉजिटिव में बच्चा, क्योंकि आपका वर्नियर का जीरो ऑलरेडी आगे था, मतलब आपका जो मेजरमेंट है ना वो पहले से आगे चल रहा है, मतलब आप जो भी मेजर करोगे ना उसमें 0.3 mm पहले से ज्यादा ही आएगा। सो आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा बच्चा, अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा आपका नेगेटिव 0.3 mm। क्या करेक्शन करना पड़ेगा बेटा आपको, नेगेटिव में 0.3 mm, क्योंकि आप हमेशा रीडिंग में आगे चल रहे हो 0.3 जितना, समझ आया आपको, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में नेगेटिव एरर देख लेते हैं एक क्वेश्चन। अब नेगेटिव एरर में ना यूजुअली बहुत गलती हो जाती है बच्चों से, राइट, क्योंकि वो एरर ध्यान रखते वक्त ना ये वाला पॉइंट नहीं समझते कि मेन स्केल का रीडिंग भी लेना होता है एरर में। मैं आपको बताता हूं चलिए कि यूजुअली क्या गलती होती है। सो नेगेटिव एरर में क्या होगा, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू दी लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। तो ये सब कब चल रहा है बेटा, जब आपने डायरेक्टली जॉ से जॉ टच कराए तब हम बुश भी बीच में रखे बिना, राइट। सो व्हेन द जॉज आर टचिंग डायरेक्टली देन यू हैव टू सी जीरो इस तरफ है तो पॉजिटिव एरर, जीरो इस तरफ है तो नेगेटिव एरर, राइट। हाउ विल इट लुक लाइक, चलिए देखते हैं इसे कैसे दिखेगा। दिस इज द वर्नियर स्केल अगेन, ये उसका जीरो वर्नियर का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड व्हाटएवर, राइट। चलो अब मेन स्केल कहां पर है, मेन स्केल का जीरो ना इस तरफ है, दिस इज द मेन स्केल जीरो इज, तो ये सपोज मेन स्केल का आपका, ओ भाई ये बच्चा आपका मेन स्केल का जीरो, राइट, एंड द मेन स्केल का 1 2 3 4 5 6 इंटेंशन हो गया मेरा कंप्लीट, 7 एंड देन इट गो इट एज इट इज, 0 1 2 3 4 ये 5 है, राइट। चलो अब सबसे पहले देखो एरर है कि नहीं है, तो सब चिल्ला के बोलेंगे कि सर एरर है, क्योंकि जीरो के साथ जीरो मैच नहीं हो रहा है। जीरो कहां पर है, लेफ्ट साइड पे है। अब बेटा कई आप क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें ना आपको एलसीएम के लिए भी पहला फिगर दिया होता है इस तरह से, तो आपको देखना है उसमें कि भाई नीचे वर्नियर के कितने मार्क के साथ ऊपर कितने मार्क एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। अपने आगे एलसीएम किया ना उसमें लिख के दिया था कि भाई 9 मेन स्केल एंड वर्नियर के 10 स्केल आपके मैच हो रहे हैं। अगर वो स्टेटमेंट नहीं दिया होगा तो आपको फिगर दिया होगा, फिगर में आपको पकड़ना है कितने स्केल के साथ कितना मैच हो रहा है एंड देन यू फाइंड द एलसीएम। आई होप यू कैन डू इट, राइट। चलो नाउ सी दिस, सबसे पहले अब जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जीरो कहां पर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है, मतलब एरर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना आएगा एरर देखते हैं चलिए। अब मेजोरिटी बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो देखते हैं कि जीरो लेफ्ट पे है, एरर है नेगेटिव, और वो देखते हैं कौन सा मार्क एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच हो रहा है, तो ये रहा ये मार्क मैच हो रहा है ऊपर नीचे, कौन सा मार्क है, ये 6 नंबर का मार्क। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं कि नेगेटिव में एरर है क्योंकि जीरो इस तरफ है, 6th मार्क है, इंटू एलसीएम कर दो, एलसीएम है 0.1 mm। दिस इज रॉन्ग। अब जब देखोगे आप तो आपका आंसर गलत होगा, आंसर में वेरिएशन आएगा, डिफरेंस आएगा। तो इसका सही मेथड क्या है, देखो इसका सही मेथड क्या है बच्चा, इसका सही मेथड है एरर इज इक्वल टू, आपको दोनों स्केल मेजर करना होता है, यू हैव टू मेजर द मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल और उसके साथ क्या करना है, इनटू आपको एलसीएम। अब यहां देखो आपका मेन स्केल रीडिंग क्या होगा बच्चा, तो जहां पे आपका वर्नियर स्केल है ना उसके आगे तो कोई मार्क ही नहीं है। अपना मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर के जीरो के आगे जो होता है वो अपना मेन स्केल है। अब इधर तो वर्नियर के जीरो के आगे कुछ है ही नहीं है, तो तुमको दिख नहीं रहा ये जीरो के आगे क्या होगा, -1 होगा कि नहीं,
है ना, ये जीरो के आगे क्या होगा बच्चे, माइनस वन होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। यार एक लाइन नहीं बन रही सर सीधी, आपसे क्या कर रहे हो तुम, ऐसा सोच रहे होंगे ना अभी, ये बोर्ड बहुत स्लिकी होता है, इट्स वेरी टफ के इसके ऊपर लाइन बने, बाकी तो ड्रॉइंग पेपर के ऊपर तो मैं आग लगा दो। तो इसका बच्चा मेन स्केल रीडिंग है, इसका मेन स्केल रीडिंग है माइनस वन, तो ये जो है ना ये इसका मेन स्केल रीडिंग है माइनस वन, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोग इसी तरह से चल जाते आगे और फिर आंसर गलत हो जाता है, फिर सोचते हैं कि अरे यार सॉल्यूशन में गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। तो बच्चा मेन स्केल का रीडिंग क्या है यहाँ पे, माइनस वन है एमएम में, वर्नियर में कौन सा मार्क मैच हो रहा है, छठा मार्क, वर्नियर के मार्क के साथ क्या करना है एलसीएम जो 0.1 एमएम है, तो ये हो गया माइनस वन एमएम प्लस 0.6 एमएम। बच्चा यहाँ पे एक्चुअल एरर क्या है, माइनस 0.4 एमएम है, क्या एरर है इसमें, एक्चुअली माइनस 0.4 है ना कि माइनस 0.6, इज दैट क्लियर, समझ आई बात आपको, राइट चलिए। और यहाँ पे आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एरर नेगेटिव है, मतलब हर बार आपका आंसर 0.4 एमएम कम ही आने वाला है, तो आपको करेक्शन क्या देना पड़ेगा, उतना ही प्लस करके देना पड़ेगा बच्चा, बस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े प्यार से, आई बात समझ में आपको, किस तरह से एरर देखा जाता है, किस तरह से वर्नियर काम करता है, राइट। तो हमने सबसे पहले वर्नियर का एलसीएम किया, एलसीएम का एग्जांपल, मेजरमेंट कैसे लेना है, उसमें दो स्केल कैसे रीड करने हैं वो हमने देखा कि मेन स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर रीडिंग क्या है, एंड देन वी हैव सीन व्हाट इज द एरर। चलिए बेटा, अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, आपने देखा वर्नियर में आपको 0.1 एमएम का एक्यूरेसी मिलेगा, है ना, अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए ना, तो फिर आपको एक और डिवाइस यूज करना है जिसे कहा जाता है स्क्रू गेज। लेट्स सी स्क्रू गेज। बेटा यहाँ पे भी आपके पास दो अलग अलग स्केल होते हैं, राइट, मैं आपको खाली स्केल दिखाता हूँ किस तरह से मेजर होता है। तो ये हो गया आपका मेन स्केल, इस तरह से इसके ऊपर मार्किंग होते हैं, राइट, और साइड बाजू में होता है यहाँ पे वर्नियर, वर्नियर स्केल कह लो या स्क्रू स्केल कह लो या सेकेंडरी स्केल कह लो। तो बच्चा ये हो गया आपका सेकेंडरी स्केल, दिस इज हाउ इट इज, राइट। यहाँ पे एक नॉब होता है जिसको आपको घुमाना होता है, ऐसा सब घुमाना है आपको, यू ऑलवेज रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, राइट, इस तरह से आपको इसको घुमाना होता है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है ना। चलिए अब ना इसके ऊपर ही पूरा स्केलिंग होता है इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अपना स्क्रू गेज कहते हैं, जो आपको मेजर करना है ना वो यहाँ पे इस तरह से आगे ऐसा होता है, जो आपको मेजर करना है वो आपको यहाँ रख देना होता है, राइट, और फिर आपको स्क्रू घुमाना है ताकि ये दोनों एकदम टाइट हो जाए, एंड देन यू हैव टू टेक द मेजरमेंट, यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अपने को ना आगे क्या है उसका कोई मतलब है नहीं, अपने का अपना इंटेंशन क्या है, मेन अपना मेन इंटेंशन है स्केल कैसे रीड करना है, राइट। चलो बेटा स्केल रीड करना सीखते हैं, इसका किस तरह से आपको इसका स्केल रीड करना है, तो पहले इसका एलसीएम समझ लेते हैं बच्चा। तो इसका एलसीएम होता है बच्चा पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच का मतलब क्या है, बेटा सिंपल सी बात है, जब आप स्क्रू को घुमाते हो ना तो स्क्रू आगे जाता है, तो एक पूरा चक्कर घुमाने से स्क्रू कितना आगे गया, दैट इज कॉल्ड पिच। एक पूरा रोटेशन देने से स्क्रू जितना आगे जाता है ना उसे क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है, राइट राइट ओके। तो पिच का मतलब है बेटा एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू ऑन मेन स्केल अपॉन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू, राइट। चलिए एग्जांपल लेते हैं बच्चा इसका, सपोज मान लेते हैं कि आपको पिच दिया हुआ है 1 mm, मतलब स्क्रू को एक चक्कर घुमाने से 1 mm आगे गया, राइट। तो पिच दिया है आपको 1 mm, एंड लेट्स से नंबर ऑफ डिवीजन दिया आपको सर्कुलर स्केल पे 100, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन लेट्स से आपको सर्कुलर स्केल दिया हुआ है 100, ठीक है बच्चा, मतलब इधर 100 मार्क है, 0 to 100, राइट। तो यहां पे बेटा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, हैंस क्या कहा आपने, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, एलसीएम हो जाएगा आपका पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, पिच दिया है 1 mm,
नंबर ऑफ डिवीजन है 100, देखो इसका एलसीएम 0.01 mm आया। बच्चा वर्नियर का कितना था? 0.1 था, ये और एक्यूरेट है। कितना इसका? 0.01 mm, मतलब ये 1 mm के 100 टुकड़े करके मेजर कर रहा है। वर्नियर ने 1 mm के 10 टुकड़े किए थे, इसने 1 mm के 100 टुकड़े करे। अगर ये आपको एलसीएम दिया है तो इस तरह से, पहली बात आ गई आपको समझ में, राइट? तो चलिए इसका एलसीएम को फॉर्मूला को मार्क कर लेते हैं, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बच्चा अब इसका रीडिंग कैसे लेना होता है वो समझ लेते हैं। ओके चलिए, अब रीडिंग मेजर करना समझते हैं बच्चा। तो यहाँ भी दो रीडिंग आपको लेने हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके तो सपोज आपको जो भी मेजर करना है, राइट, एंड योर स्केल लुक्स लाइक दिस। आपने जो भी मेजर करना है, आपने स्क्रू गेज के बीच में रख दिया, स्क्रू टाइट कर दिया, और अब आपको रीडिंग देखना है, राइट। पहले से आपका स्केल कुछ ऐसे दिख रहा है, ओके ये स्क्रू है, ओके एंड लेट्स से ये आपका मार्क है कुछ, नहीं वैसे क्यों दूं मैं आपको, बट ऐसे नहीं देना है मुझे आपको, एक मिनट ना, लेट मी कॉल इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस इट इज, ओके। चले बच्चा जस्ट फॉर द एग्जांपल अपने 100 मार्क वाला स्केल कर रहे हैं, यही क्वेश्चन अपने आगे कर रहे हैं। सपोज ये आपका मार्क है, लेट्स से इट इज 35 एंड इट इज 40, ठीक है। और सपोज ये है आपका, लेट्स फॉर द एग्जांपल ये 15 एमएम है आपका, ये 10 एमएम है। चलो इस तरह से आपको स्केल बना के दिया हुआ है एग्जाम में, आपको बताना है इसका आंसर क्या है, इसका रीडिंग क्या है। सबसे पहले देखो ये 15 है तो ये होगा 16, 17, 18, तो बच्चा ये जो है ना ये आपका मेन स्केल रीडिंग है। क्या है ये? मेन स्केल रीडिंग कितना है? 18 mm, क्योंकि ये मेन स्केल आपका यूजुअली 1 mm का होता है या तो 0.5 mm का होता है जो क्वेश्चन में आपको दिया है। अभी अब मैंने आगे वाले क्वेश्चन को ध्यान में रख के पिच लिया है, 1 mm मतलब हर एक डिवीजन 1-1 mm का है, राइट। और यहां पे कौन सा मार्क के मैच हो रहा है वो देखो, विच मार्क इज दिस? 35 है, नीचे 40 है, तो ये कौन सा मार्क होगा? ऑब्वियसली आपका 39 नंबर का मार्क होगा। ये है आपका वर्नियर रीडिंग कह लो या सेकेंडरी रीडिंग कह लो, आइदर यू कॉल इट वर्नियर रीडिंग और सेकेंडरी रीडिंग। कौन सा मार्क है? 39th मार्क। बस तो हो गया आपका मेजरमेंट डन। तो क्या लिखेंगे बच्चा हम फाइनल आंसर? यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा आंसर है उसमें क्या क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग आएगा, राइट। फिर आएगा हमारे पास, ओके लेट्स सी मार्क ऑन स्केल, मार्क ऑन सर्क्यूलर स्केल मैचिंग विथ डेटम लाइन। तो जगह भी कम पड़ रही है, ये जो लाइन है उसको कहते हैं डेटम लाइन। तो ये डेटम लाइन के साथ कौन सा मार्क मैच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्केल रीडिंग। और इसके साथ हमेशा क्या करना है, इनटू आपको एलसीएम करना है, राइट। चलिए आंसर देख ले फटाफट कितना आंसर आएगा। तो बताइए इसमें मेन स्केल का रीडिंग क्या है बच्चा? 18 mm। कौन सा मार्क मैच हो रहा है? 39। और हमने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें एलसीएम क्या है बच्चा? 0.01 mm, राइट। तो आपका आंसर हो गया 18 + 0.39 mm। देखिए आपका सही आंसर है इसका 18.39 mm। कितना आंसर है इसका? 18.39 mm। अब बेटा स्क्रू गेज में एरर होना बहुत ही कॉमन केस है, स्क्रू गेज में यूजुअली एरर होता ही है, क्योंकि ये स्क्रू घुमाने में सबको बड़ा मजा आता है, तो पूरा स्केल एकदम खराब करके जाते हैं जो भी बच्चा आपके पहले लैब में आते हैं ना वो। तो इसमें भी दो तरह के एरर, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। लेट्स सी पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है, बड़ा सिंपल सा है ये। लेट्स टॉक अबाउट द एरर फ्रॉम दिस केस, ठीक है। तो जब आपने कुछ भी नहीं रखा है स्क्रू के अंदर और जब आप डायरेक्टली वो जॉ को टच कराओगे तो जीरो, ये डेटम लाइन के साथ जीरो मैच होना चाहिए। डेटम लाइन के साथ क्या मैच होना चाहिए? जीरो। अगर सर्कुलर का जीरो ऊपर है मतलब एरर पॉजिटिव है, अगर सर्कुलर का जीरो नीचे है मतलब एरर नेगेटिव है। सेल टेल यू, सबसे पहले पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है बेटा? जीरो अबोव द डेटम लाइन, जीरो
अबव द डेटम लाइन। बच्चा तो ये आपका डेटम लाइन है, ये स्क्रू है राइट, और जीरो एक्चुअली आपका यहां पे होना चाहिए बट जीरो यहां पर है सपोज, इनके जीरो यहां पर है राइट। तो ये आपका सपोज इस तरह से ले लेते हैं, ये पांच है एंड देन लेट्स गो लाइक दिस राइट। तो देखो जीरो कहां पर है, अबव है, जीरो अबव है, इसका मतलब आप ऑलरेडी आगे चल रहे हो राइट। कितना आगे चल रहे हो देखो, तो कितने मार्क आप आगे चल रहे हो बच्चा, ये जीरो वन टू थ्री, तो आप पहले से कितना मार्क आगे चल रहे हो, तीन मार्क आप पहले से आगे चल रहे हो। तो इसका जो बच्चा एरर है ना, ये पॉजिटिव में थ्री इंटू एलसीएम, तीसरा मार्क मैच हुआ ना, एलसीएम कितना था आगे क्वेश्चन में 0.01 mm, तो यहां पे आपका एरर है पॉजिटिव में 0.03 mm। तो बच्चा आपको करेक्शन क्या देना पड़ेगा, हर एक मेजरमेंट में इतना आपको माइनस करना पड़ेगा, समझे। अब यहीं पे अगर नेगेटिव एरर है तो जीरो इज बिलो द डेटम लाइन, नेगेटिव एरर, जाना मत अभी कोई छोड़ गया, क्या पता किसमें तुम गलती कर दो आगे जाके। तो नेगेटिव एरर में क्या होगा बच्चा, इसमें होगा जीरो बिलो द डेटम लाइन, जीरो कहां पर है, डेटम लाइन के नीचे है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये मेन स्केल, ये डेटम लाइन, ये सर्कुलर स्केल राइट एज यूजुअल, ओके। एंड नाउ इन दिस केस सपोज आपका जीरो यहां पर है, इन द स्केल्स 1 2 3 4 5, सपोज 100 स्केल का था टोटल ये, और ये 95th नंबर का स्केल है राइट, टोटल 100 मार्क थे इसके ऊपर राइट, ओके ध्यान से देखना बच्चा। सो इन दिस केस जीरो कहां पर है, बिलो द डेटम लाइन है, इसमें जीरो कहां था, ऊपर था, तो पॉजिटिव एरर, इसमें जीरो कहां पर है, नीचे है, मतलब नेगेटिव एरर है। कितना है नेगेटिव एरर वो चेक करो। अब कई लोग क्या करते हैं पता है, पागल लोग होते हैं, कई लोग 95 लिख देते हैं एरर में, नहीं आपको क्या देखना है, जीरो कितना मार्क नीचे है, तो जीरो कितना मार्क नीचे है देखो आप ध्यान से देखना, ये आपका जीरो है ठीक है, देन व्हाट यू हैव 1 2 3 4 एंड 5, क्या मार्क हुआ, ये पांचवा मार्क हुआ कि नहीं, यहां से जीरो से काउंट करना है आपको, जीरो कितना नीचे है वो देखना है आपको। तो जीरो कितना मार्क नीचे है, पांच मार्क जीरो आपका नीचे है, पांच मार्क जीरो कहां पर है, नीचे है, तो एरर क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव में, पांच मार्क नीचे है तो नेगेटिव में 5 इंटू एलसीएम, कितना एलसीएम है इसका 0.01 mm, तो बच्चा इसका एरर हो जाएगा -0.05 mm। तो बच्चे इसका करेक्शन में आपको क्या लेना पड़ना है, आपको हर बार जब रीडिंग लिखोगे आपको फाइनली उसमें 0.05 प्लस करके देना पड़ेगा, समझ आ गई बात आपको। तो पॉजिटिव एरर में आपको ये देखना है जीरो कितने मार्क ऊपर है, और नेगेटिव में आपको ये देखना है जीरो कितने मार्क नीचे है। गॉट इट, अंडरस्टूड राइट। तो बच्चा ये हो गया आपका कंप्लीशन ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, एंड आई प्रॉमिस यू गारंटी के आगे जाके जेई और नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक टॉपिक का होगा, और उसको सॉल्व करते वक्त आपको मेरी याद आएगी और आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आएगी कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन कराया था, ओके। चले बच्चा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, वन मोर टाइम, अगर नोट्स आपके बाकी है डाउनलोड करने, डाउनलोड कर लीजिए नोट्स, बहुत नॉमिनल प्राइस में पूरे साल आपको नोट्स मिलने वाले मेरी तरफ से, ओके। अपना पोर्शन थोड़ा लेट चल रहा है आई एग्री, बट देखना आने वाले 10-12 दिन में मैं इतने फटाफट वीडियोस डालूंगा आपके लिए, और बाकी सारे चैनल के ना थोड़ा सा आगे निकल जाऊंगा मैं कंटेंट में, ओके ठीक है बच्चा। चलिए अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगले लेक्चर में हम इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एक्सरसाइज में बहुत सारा तो फालतू से क्वेश्चन दिए है, तो एक्सरसाइज में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, वो सारे क्वेश्चन हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं वापस अगले क्लास में।